तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी डेढ़ घंटे के एक्शन के लिए जहां बाजारों में है हल्की फुल्की सुस्ती और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। क्या अहम लेवल को होल्ड कर पाएंगे बाजार और क्या आखिरी डेढ़ घंटे में दिखेगी मुनाफा हौसली? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उम्मीद के मुताबिक बढ़ता हुआ एक्शन, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी और नतीजों का सीजन रहेगा पूरे जोरों पर। इन्हीं सबके बीच में स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक्शन भरपूर है बाजार में। इंडेक्स लेवल पर हम जरूर थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं, बट स्टॉक्स में देखिए सर, बढ़िया मूव्स आज सुबह से ही आ रही हैं। तो बताएं सर, इस आखिरी डेढ़ घंटे के लिए इस हफ्ते के इस समय की बड़ी बातें क्या है? उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए बाजार सीमित दायरे में है और हल्की नरमी के साथ 16,250 के करीब है निफ्टी। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाइयों से 300 अंक फिसलकर 35,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा इससे नीचे फार्मा, इंफ्रा, रियल इस्टेट, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां पर थोड़ा आपको दबाव नजर आएगा। लेकिन मेटल, ऑटो, आईटी, ये तीन बड़े सेक्टर और हैं बाजार के जो हैं आज मजबूत, आधा से 0.5% ऊपर। यूरोप और अमेरिका दोनों ही कुछ करने के मूड में है नहीं, बिल्कुल सुस्ती वाला माहौल है यूरोपीय बाजारों में। और अमेरिका के फ्यूचर्स डाउ में आप देखेंगे तो कहीं कोई एक्शन ही नहीं है, 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कैसा रहेगा अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन, अंदाजा लगाना मुश्किल। फिलहाल सुस्ती का माहौल आपके सामने। तो यह है अब तक की बड़ी बातें बाजार की। जी दीप, बिल्कुल सर। और सवाल मेरा भी यही बन रहा था सर, क्योंकि आखिरी डेढ़ घंटा है इस हफ्ते का और फिर आज शाम को बड़ा इवेंट है जहां यूएस में जॉब्स डेटा आएगा, तो क्या हमारे बाजार भी अब थोड़ा कॉशियस रहेंगे? क्योंकि इस हफ्ते ऑलरेडी हम रेंज ब्रेकआउट देख चुके हैं, हैट्रिक लगी है नए रिकॉर्ड्स की, बड़ी मूव आई है इंडेक्स लेवल पर, तो क्या अब क्लोजिंग से पहले इस हफ्ते की हम थोड़ा कॉशन देखेंगे बाजार में? क्या व्यू है आपका सर? दीप देखिए, जो बाजार कर रहा है मुझे तो बिल्कुल भी सरप्राइज है नहीं। और हम परसों से यही बात कर रहे थे कि एक्सपायरी तक आपको अच्छी मजबूती इंडेक्स में दिखेगी और उसके बाद इंडेक्स शुक्रवार से ज्यादा सोमवार से बैक सीट पर जाएगा और वहीं पर आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। 3-4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद 500 पॉइंट लगभग निफ्टी नॉन स्टॉप भागा है, उसके बाद यहां आराम करेगा और इस आराम करने की प्रोसेस में एक्शन में आएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। अब देखिए, आज सारे के सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तेजी से भाग रहे हैं। आप देखिए, इंडेक्स अभी भी दोनों ही छोटे और मझोले शेयरों के काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर कहीं कोई समस्या है नहीं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और उसके साथ ही लगभग 500 शेयर ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं, तो कई सारे स्टॉक्स इसी वजह से दबे पड़े थे कि 5-5% के सर्किट में स्टॉक में जनरली एक्शन होता नहीं है, वहां पर एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये समझना है, एक, रिजल्ट सीजन जोरों पर है और दूसरा, इंडेक्स की भरपूर तेजी के बाद अगर बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास वक्त बिताते हैं तो बिल्कुल सही है, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। और ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और वापस से आपको आज बचे हुए डेढ़ घंटे के लिए और अगले हफ्ते की तैयारी उन्हीं शेयरों के साथ करनी चाहिए। जहां तक बाजार का सवाल है दीप, कोई डाउट नहीं है, 16,125-16,250 ये सपोर्ट रेंज है जिसके पहले ऊपरी सिरे पर आ गए 16,250। इसके नीचे अब 16,200 के आसपास का लेवल होता है। 16,125-16,200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और आराम से वो होल्ड करेगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? यानी कि यहां से जहां आप है 50-60 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क इमीडिएट नहीं है और 125 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क अदरवाइज नहीं है। तो 125 पॉइंट के रिस्क अगर लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी है तो क्या होती है, मुश्किल से 0.5%, 1% भी नहीं, उतनी तो आप लेकर चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वही 36,000-36,200 का कंजेशन जोन है, वहां लगातार 3 दिन हमने 36,000 को पार करने की कोशिश की, गए भी टिक नहीं पाए, वापस नीचे आ गए। तो 36,200 के ऊपर एक निर्णायक तौर पर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी की को ताकत भरेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 35,300 से 35,500 सपोर्ट रेंज है, ऊपर में 36,000-36,200 रुकावट की रेंज है। ये बैंक निफ्टी भी वक्त बिताने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कहीं कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, आराम से बाजार को इंडेक्स लेवल पर टाइम पास करने दीजिए और एक्शन करने का इरादा है कैश मार्केट के स्टॉक्स में आ जाइए। जी दी, बिल्कुल सर। तो एक्शन अब कैश स्टॉक्स में आ रहा है, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं इंडेक्स ने लीड ली हुई थी, अब आ गया है ब्रॉडर मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का मामला। तो फिर आइए, आज के कुछ खबरों वाले स्टॉक्स हैं उन पर डालते हैं नजर और आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स हैं जिस पर बाजार का व्यू है ये भी जान लेते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर?
गुड आफ्टरनून दीपांशु, सोमवार तक के इवेंट्स में बता रही हूँ, ढेरों इवेंट्स हैं आज तो, नतीजों की लंबी लिस्ट है ही, कई सारे आ रहे हैं, कई सारे आने बाकी भी हैं। हिंडाल्को, सिटी यूनियन बैंक, आरती, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस, बीएल, बर्जर पेंट्स, इन तमाम नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा भी कई सारे वायदा बाजार में करीब 15 कंपनियों के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स वॉलेंट्री डीलिस्टिंग पर बैठक होने जा रही है। एपीएल, अपोलो, नतीजे तो है ही, साथ में बोनस इश्यू पर भी बोर्ड फैसला लेगा। आर सिस्टम्स नतीजों के साथ बायबैक पर बोर्ड विचार करेगा। वहीं विंडलास बायोटेक, एक्सारो टाइल्स, दिव्यानी इंटरनेशनल और कृष्णा डायग्नोस्टिक, चारों के चारों कंपनियों के आईपीओज आज बंद होते हुए दिखेंगे। कल शनिवार का दिन, लेकिन निफ्टी स्पेस में भी एक इम्पोर्टेंट नंबर डिविज लैब और वायदा बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों का इंतजार होगा। सोमवार के दिन यानी 9 अगस्त को निफ्टी स्पेस में श्री सीमेंट के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में एमआरएफ और इंडियन होटल्स के नंबर्स पर फोकस है। इस दिन तीन आईपीओ है जिस पर फोकस रहेगा। एक तो रोलेक्स रिंग्स की लिस्टिंग होने वाली है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ इस दिन खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 1585 से 1618 रुपए प्रति शेयर है। वहीं नोवोको विस्टास कॉर्प लिमिटेड का आईपीओ खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 560 से 570 रुपए प्रति शेयर है। इंडियन होटल्स नतीजे तो है ही, साथ में फंड जुटाने को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। बलरामपुर चीनी नतीजों के साथ बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। इस दिन एल्केम लैब, सिप्ला, कोफोर्ज, आयशर मोटर्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। और सोमवार के दिन यानी 9 अगस्त को सिंगापुर और जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। 4 आईपीओज इस हफ्ते थे और ढेरों आईपीओज अगले हफ्ते भी आने की तैयारी में है। साथ ही लिस्टिंग का भी एक्शन रहेगा, तो एक्शन पैक्ड कुछ दिन और हैं बाजार के लिए। नतीजे भी काफी सारे आ चुके हैं आज के लिए, काफी सारे आने बाकी हैं और ढेरों खबरें भी हैं। आइए इनके बारे में एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो खबरों से शुरुआत करते हैं, तो आज की सबसे बड़ी खबर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल की लाई, जहाँ पे अमेजोन के हक में फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो बड़ा झटका जो है फ्यूचर ग्रुप को लगा है और इसके लिए रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स दोनों जो है उसमें गिरावट देखने मिल रही है। राइट्स लिमिटेड, इस कंपनी को रेलवे से करीब 4028 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। NFL और RCF, खबर यह है कि इफ्को के साथ NFL और RCF ने करार किया है। NFL और RCF ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करार जो है वो किया है। इफ्को ने सरकार के नैनो यूरिया के एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी मांगी है। नैनो यूरिया का इस्तेमाल से फसल के उपज में करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी संभव होती है, तो इसका इंपैक्ट NFL और RCF पे देखने मिला। टाटा मोटर्स, खबर यह है कि सुंदरम फाइनेंस के साथ इसने करार किया है, पैसेंजर कार के लिए करार किया गया है। NMDC, यहाँ प्राइस कट किए गए हैं, लंप और फाइन के दाम जो है उसको काटा गया है। लंप और के दाम जो है 7150 रुपये प्रति टन और फाइन के 6160 रुपये। नतीजे आए M&M के, अनुमान के मुताबिक है 860 करोड़ के आसपास के मुनाफे का अनुमान था, 860 करोड़ पे आया है। मार्जिन 14% का अनुमान था, 13.9% पे आए हैं। लेकिन कंपनी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और कच्चे माल की जो कीमतें बढ़ रही है उसको लेके आगे चिंता जो है वो बनी हुई रहेगी। वोल्टास, मुनाफा 122 करोड़ पे आया, 143 करोड़ का अनुमान था, मार्जिन 5.16% से बढ़कर 7.6% पे आया है। अबाउट इंडिया, मुनाफा 180 करोड़ से बढ़कर 196 करोड़, मार्जिन 21.9% के आसपास स्टेबल है। एल्केम लैब्स, 468 करोड़ का मुनाफा है, 318 करोड़ का हमारा अनुमान था, वहीं मार्जिन जो है 26.7% से घटकर 21.7% पे आया। मेट्रोपोलिस, मुनाफा 75 करोड़, 55 करोड़ का अनुमान था, मार्जिन 8.5% से बढ़कर 31.3%। स्ट्राइड फार्मा, मुनाफे से घाटे में आई है ये कंपनी, घाटा 244 करोड़ का आया है कंपनी का, 58 करोड़ मुनाफे का अनुमान था, वहीं कंपनी का जो कामकाजी घाटा है करीब 50 करोड़ के आसपास आया, तो कंपनी के नतीजे जो है वो काफी हद तक कमजोर है। साथ ही साथ इस कंपनी का और एक अपडेट आया, यूएस की कंपनी एंडो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खरीदने के लिए इसने करार किया है, 2.4 करोड़ डॉलर में ये करार किया गया है। अरविंद स्मार्ट पेसेस, आय 105 करोड़ से बड़ी है लेकिन मुनाफा में आई है कंपनी 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले, करीब 2.25 करोड़ का मुनाफा है। TVS श्रीचक्र घाटे से मुनाफे में आई है, 47 करोड़ घाटे के मुकाबले 1 करोड़ का मुनाफा है। BML घाटा कम हुआ है, 134 करोड़ से कम होकर 94 करोड़, आय में बढ़ोतरी हुई है। अनुपम रसायन कंसोलिडेटेड मुनाफा 23 लाख से बढ़कर 32 करोड़ पे आया है। ताज GVK कंसोलिडेटेड घाटा 21 करोड़ से घटकर 13 करोड़। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, जो मुनाफा है कंपनी का, घाटा जो है वो 31.6 करोड़ से घटकर 9.6 करोड़। और पटेल इंजीनियरिंग में जो आय है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन घाटा जो है वो घटा है, 42 करोड़ से घटकर करीब 45 लाख के आसपास आया है। और आखिरी में एक खबर कि जॉनसन जॉनसन ने भारत में COVID-19 की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है।
हैं तमाम खबरें जिन पर आज रहेगा एक्शन। एक्शन को बढ़ाएं आगे, नतीजे हर मिनट आपकी स्क्रीन पर नए नए नतीजे फ्लैश होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज नतीजों के लिहाज से है बड़ा नहीं बेहद बड़ा दिन। तो एक के बाद एक रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। बीएमएल के रिजल्ट्स हैं, मेट्रोपोलिस के रिजल्ट हैं, मेट्रोपोलिस तो अब वायदा कारोबार का शेयर भी हो चुका है। इन सारे नतीजों पर रखें नजर, तो आज नतीजों के लिहाज से ढेर सारा एक्शन आपको देखने को मिला है। ताज जीविके के रिजल्ट्स भी अभी थोड़ी देर पहले ही आते हुए दिखे आपकी स्क्रीन पर, ये भी स्टॉक लेकर आएंगे। यहां पर तिमाही नतीजे आते दिख रहे हैं। मेट्रोपोलिस के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़, आय 143 करोड़ से बढ़कर दुगुनी से ज्यादा होती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए दमदार रिजल्ट। आइए बढ़ते आगे, जल्दी से एक बार आशीष सर से ले लें उनका बाजार पर व्यू, और अगर कोई स्प्रेड है तो। आशीष सर गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी बाजार का व्यू तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है, टेम्पररी डिप्स हैं, कंसोलिडेशन रहेगी, और जैसा हमने सुबह बात की थी कि अब अनिल जी लार्ज कैप्स बेटर लगते हैं मिड कैप से, क्योंकि अगर एफआईएस की बाइंग कंटिन्यू रहती है तो उनकी जनरली जो उस तरह की बाइंग होती है तो लार्ज कैप्स में आती है। बट जो ये अनिल जी फिनिशियस मूव आई है, इसमें छोटा मोटा डिप जरूर देखने को मिलेगा। अभी अनिल जी एक हमने अभी अभी एक कॉल अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है और वो रेट भी मतलब वही है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी की अनिल जी 35,800 की पुट लेनी है, 280 से 290 का रेट है। बैंक निफ्टी की 35,800 की पुट लेनी है, 280 से 290 का रेट है। इसका 190 रुपए का स्टॉप लॉस है अनिल जी, टारगेट 450 से लेके 500 का है। तो एक अनिल जी टेम्परेरी डिप लगता है कि बैंक निफ्टी में आ सकता है, उसके लिए इस पुट की तरह इस पुट को लेके अनिल जी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग शेयर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है आफ्टर दैट मूव। तो अनिल जी जो इमीडिएट कॉल थी, मैंने कहा आपको रोक के पहले एक कॉल दे दूं, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है। तो ये अनिल जी पुट लेने की राय है 35,800 की। निफ्टी पर 35,800 की एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, ये राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। 190 पर स्टॉप लॉस लगाइए 450 से 500 तक के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस 971 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, इस वक्त यहां पर रखिएगा नजर। आय बढ़ी है 2400 करोड़ के आसपास ही, बढ़कर 2700 करोड़ होती हुई दिखी है। मुथूट फाइनेंस वागले साहब हैं तैयार, वागले साहब बताइए जरा, मुथूट फाइनेंस के चार्ट से 1% नीचे है स्टॉक, नतीजे थोड़े से हल्के से अनुमान से कम दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है अभी पहली नजर में। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपन सर, मुझे चार्ट पैटर्न में कोई क्लैरिटी नहीं है। 1555 ऑन द डाउनसाइड, 1600 ऑन द अपसाइड ये रेंज है। अगर 1555 1550 ब्रेक करता है फिर चिंता होगी, फिर ये 1500 के नीचे स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस, नजर रखिए 971 करोड़ का मुनाफा है। आय हम देख रहे हैं 2390 करोड़ से बढ़कर 2710 करोड़ की आती हुई दिख रही है, इस पर आप व्यू बनाकर चलिए। आर सिस्टम्स छोटा स्टॉक है, इस पर भी रखिए नजर, बायबैक की घोषणा की है, 225 रुपए में बायबैक किया जाएगा, करंट मार्केट प्राइस 200 रुपए के आसपास है। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल, उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु हमारी चार्ट कॉर्नर पिक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था और बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले दो दिन के हाईस के ऊपर निकला है, तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश पॉजिटिव क्रॉसओवर है और ये स्टॉक एक अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है दीपांशु, पिछले कुछ दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा, आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोजाना स्टॉक में निचले स्तरों से बहुत शानदार बाइंग होती है, तो नीचे के लेवल्स पर इसमें बहुत सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो यह स्टॉक 90 रुपए की तरफ कूच कर रहा है, बाय करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो आपको 83 पर 83 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले, पहला टारगेट स्टॉक के लिए 88 का, दूसरा टारगेट 90 रुपए का होगा।
ओके, तो 88 और 90 के टारगेट की तरफ जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ा ब्रेकआउट इस पर आपको आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। कुछ दिन पहले अनिल जी ने भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी, मूवमेंट में आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, मूवमेंट में आ रहा है कैनरा बैंक भी, यहाँ पर भी आप खरीदारी देख रहे हैं, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, तो नजर रखिए उस पर। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आपको SBI पर भी आती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट सपाट हो चुका है। तो PSU बैंक जो पिछले 2-3 दिनों के बैंक निफ्टी की तेजी में सुस्त थे, अब यहां से भी आपको पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। PNB पर नजर रखिए, 1.5% की मूव PNB पर भी आपको इस समय आती हुई दिख रही है। एक बार राय भी ले लेते हैं PNB पर, क्योंकि बाकी PSU बैंक्स अगर मूव कर रहे हैं तो क्या PNB में भी एक्शन आएगा। किरण जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर, PNB ये भी काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा दबाव में रहा है, क्या आप मूवमेंट के लिए तैयार है? दीप वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए PNB अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक और PNB का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे वीकेस्ट स्टॉक रहेगा PNB। हालांकि 38 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, पर वहीं पे 40 रुपए 50 पैसे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मुझे तो अभी कोई ट्रेड नहीं लेने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि जो नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यू होता नजर आएगा। इधर से बड़ी अपसाइड बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, 40 रुपीज 50 पैसे तक जाएगा और वापस एक बार यू टर्न लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो रेजिस्टेंस के करीब है PNB, हालांकि लंबे समय बाद थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, बट अब देखते हैं क्या रेजिस्टेंस के पार जा सकेगा काउंटर या नहीं। जैसा हम बता रहे थे नतीजों के लिए है इंपॉर्टेंट दिन, तो आइए कुछ नतीजे जो आना अभी बाकी हैं उन पर जल्दी से व्यू ले लेते हैं। हिंडाल्को आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे, पिछले साल जो है कंपनी ने 709 करोड़ का घाटा किया था, इस बार 2360 करोड़ का जो आंकड़ा है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि कीमतों में पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो लगातार बढ़त देखने को मिली है। तो पिछले साल 7.6% मार्जिन से बढ़कर इस बार करीब 14% रहेंगे, 195% की ग्रोथ नजर आएगी आपको इनके कामकाजी मुनाफे में। जो टॉप लाइन है यहाँ पर 60% का इजाफा देखने को मिलेगा। साल दर साल तो देखिये सभी नतीजे बढ़िया ही पेश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह हिंडाल्को में कि तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो नतीजे आपको स्टेबल नजर आएंगे। मुनाफा करीब 22% बढ़ेगा तिमाही दर तिमाही, मार्जिन 14% पर सपाट देखने को मिलेंगे। कामकाजी मुनाफे में मामूली 1% की गिरावट और आय में भी अगर आप देखें तो करीब 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री ग्रोथ आउटलुक को लेकर क्या होती है उस पर फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर साल दर साल नतीजे तो काफी बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो स्टेबल नतीजे आएंगे। ओके, तो साल दर साल बढ़िया नतीजे हैं, तिमाही दर तिमाही स्टेबल नतीजे आएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको लगातार यहां पर भरोसा भी जताया है। हिंडाल्को पर अब रखते हैं नजर, किस तरह के फाइनली इसके नतीजे आते हुए दिख सकते हैं। आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार हैं और वो दे रहे हैं अपनी कॉल, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और इसके बीच में जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ओर से सजेशन है वो है अदानी पोर्ट्स, जो करीबन 716 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है और आफ्टर द लिटिल वॉलेटिलिटी अब शायद काफ़ी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट को खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखे 706 का, 735 और 755 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, 735 और 755 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स पर करनी है खरीदारी, यहां पर अच्छी मूव आ रही है। और अदानी एंटरप्राइजेस पर रखिए नजर, वहां पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है, 7.5% ऊपर ये काउंटर भी दिखेगा। तो अदानी ग्रुप के दोनों वायदा कारोबार के स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं। एक्शन में है आरती इंडस्ट्रीज भी, यहां पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी भी हमारे साथ हैं, सुमित जी गुड आफ्टरनून, आरती इंडस्ट्रीज पर कोई राय सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, आरती इंडस्ट्रीज के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ से ये रैली एक्सटेंड होगी, 1000 रुपीज तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले, ऊपर में 975-1000 ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 975 और 1000 के लेवल्स के लिए पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। जहां तक आरती इंडस्ट्रीज का सवाल है, 4% ऊपर डेज हाई के करीब ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मूव कुछ और स्टॉक्स में भी आती हुई दिख रही है, एस्ट्रल पर भी एक मूव आई है इस समय और इसके भी नतीजों का इंतजार है। किरण जी जरा नतीजों से पहले एस्ट्रल के चार्ट पर कोई राय दें सर, क्योंकि तेल के मूवमेंट में ये भी काफी सेंसिटिव रहता है और वहां पर दबाव है, तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ही है, बट फिलहाल चार्ट क्या कह रहे हैं एस्ट्रल की?
एक्चुअल में 2160 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, लगभग 100 रुपए नीचे है दीप, पर वही एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस बने रहे। 5 दिन पहले इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था, उन हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 2300 मेरा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह दूंगा, फिर 2350 2400 के लेवल्स आते दिनों में देखने को मिलेंगे, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 2160 के नीचे होना चाहिए। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये नज़र रखिए 2160 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए, और वायदा कारोबार में आने के बाद पहली बार इसके नतीजे आ रहे हैं, तो कैसे रहेंगे इसके नतीजे, आइए एक बार वरुण से जान लेते हैं। वरुण बताइए, एस्ट्रल क्या है बाजार का अनुमान? देखिए, एफएनओ में आने के बाद पहली बार इस कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, और कोविड का इम्पैक्ट देखने मिलेगा आपको इस कंपनी के नतीजों पे, क्योंकि खासकर जो 2 महीने कोविड के रहे हैं उसमें शहरी इलाकों में खासकर जो मांग है उसमें काफ़ी दबाव देखने मिला, और इसी का इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा, जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स कमज़ोर रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, साल दर साल खासकर एडेसिव्स और पाइप्स के कारोबार में जिस तक की ग्रोथ देखने मिली है, कुछ लोग अनुमान लगा के चल रहे कि 50 से 80% के आसपास की ग्रोथ जो है वो साल भर साल देखी गई है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए साल दर साल वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस दोनों सुधरेंगे, क्वार्टर क्वार्टर दबाव में रहेंगे। हमारा अनुमान है रेवेन्यूज 750 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, एबिटा मार्जिन जो है 20% पे आएंगे, एबिटा 150 करोड़ पे आएगा, मुनाफा जो है करीब 90 करोड़ के आसपास आ सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले आधा हो जाएगा, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो करीब 4 गुना इस कंपनी का मुनाफा जो है वो हो सकता है। तो नो डाउट क्वार्टर क्वार्टर वीकनेस, साल दर साल अच्छे, तो जो लॉकडाउन है उसका इम्पैक्ट जो शहरी इलाकों में हुआ है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के नतीजों पर होने वाला है। बिल्कुल, तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो जरूर ये कंपनी आपको दिखाएगी, आगे जाकर किस तरह के इसकी आउटलुक रहते हैं उस पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। M&M इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, पर कुछ कमेंट्री आती हुई दिख रही है। XUV 700 जो इनकी गाड़ी है उसकी डिलीवरी चिप की उपलब्धता पर है निर्भर, तो JLR, टाटा मोटर्स, मारुति और अब M&M की भी तरफ से जो शॉर्टेज चल रही है चिप्स की, माइक्रोचिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की, उसके लिए आप थोड़ी कॉशियस कमेंट्री आते हुए देख रहे हैं, स्पेशली जो इनकी XUV 700 की बात कर रहे हैं। इस बीच हम हिंडाल्को के बारे में अभी बात कर ही रहे थे, और हिंडाल्को के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 2790 करोड़ का यहां पर मुनाफा आपको आते हुए दिखा है, 2360 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, तो अनुमान से तो काफ़ी बेहतर मुनाफे का फिगर आया है जहां तक हिंडाल्को का सवाल है। और घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, अगर साल दर साल बेसिस पर देखें 700 करोड़ के घाटे के मुकाबले आप 2790 करोड़ का मुनाफा आते हुए देख रहे हैं, तो फर्स्ट कट पर अगर आप देखें तो मुनाफे का फिगर डेफिनेटली हिंडाल्को का अच्छा आते हुए दिख रहा है, और बाजार के अनुमान से बेहतर भी आपको दिखेगा, और घाटे से भी मुनाफे में आ गई है कंपनी। आय की भी अगर बात करें तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 40,190 करोड़ की यहां पर आय आनी चाहिए, तो उस पर हमारी नजर रहेगी कि आय का आंकड़ा इवेंचुअली आपको किस तरह का आते हुए दिखता है। इंतजार करते हैं कुछ और नतीजों की डिटेल्स का, तब तक कुणाल जी जरा चार्ट पर राय दे दें हिंडाल्को। देखिए चार्ट अगर आप देखें दीपांशु, भी मैं हिंडाल्को का चार्ट देख रहा था, बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है, और 3-4 दिन का कंसोलिडेशन भी आज खत्म होता हुआ दिख रहा है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि और ऊपर का लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक मामूली सा कंजेशन अभी 455 रुपए के आसपास है, 455 जैसे ही स्टॉक निकाल लेता है तो आपको इसमें एक वन वे रैली 480 तक देखने को मिलेगी, तो मेरा व्यू बुलिश है, केवल ये 455 पार कर ले तो खरीदारी कराए। ओके, तो यह है आपके लिए हिंडाल्को खरीदारी की राय है, 455 का लेवल स्टॉक को क्रॉस करना चाहिए। आय का आंकड़ा भी हमारे अनुमान से काफी बेहतर नहीं, बट थोड़ा बेहतर तो आते हुए दिख रहा है, 41,358 करोड़ की इनका आय का आंकड़ा है, अगर आप साल दर साल देखें तो 25,280 करोड़ से बढ़कर आया है, हमारा अनुमान यहां पर था 40,190 करोड़ का, तो उससे भी काफी बेहतर इसका आंकड़ा आते हुए दिख रहा है, लगभग 1200 करोड़ से इन्होंने बीट किया है एस्टिमेट्स को, अगर आप बात करें जहां तक इनकी आय का बात है, तो आय मुनाफा दोनों अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहा है हिंडाल्को के केस में। मार्जिन्स के हिसाब से भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कामकाजी मुनाफा भी यहां पर बढ़कर आया है, तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस यहां पर अगर आप देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। जहां तक कंपनी का सवाल है, कंपनी का कहना है कि इनका जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो ऑल टाइम हाई पर आते हुए दिख रहा है, जो कंसोलिडेटेड मुनाफे की हम बात कर रहे हैं
वो भी ऑल टाइम हाई पर आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस हिंडाल्को की तरफ से, और स्पेशली जिस तरह से बिक्री हुई है, दाम बढ़े हैं इस बार, काफी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की आते हुए दिख रही है। तो अच्छा अनुमान बाजार ने लगाया था, पर उस अनुमान से भी बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक हिंडाल्को का सवाल है, हिंडाल्को आपके लिए इस समय बढ़िया परफॉर्मेंस इस पर आती हुई दिख रही है। आइए इस पर रखें नज़र। हिंडाल्को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ और स्टॉक भी मूव कर रहा है, 2% ऊपर डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा नैल्को का भी चार्ट पुलअप कर लें, क्योंकि हिंडाल्को के इतने अच्छे फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं, तो नैल्को पर भी यहां पर आपको अच्छी ही परफॉर्मेंस आती हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी नतीजों का इंतजार है। और हिंडाल्को के बाद देखते हैं कि नैल्को का चार्ट इस समय कैसे मूव करते हुए दिख रहा है। उतना मूवमेंट इस पर नहीं आया, बट निचले स्तरों से यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, जरा एक बार राय दें, जहां तक नैल्को के चार्ट का सवाल है, क्या चल रहा है इस पर? मेरे को लगता है स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले, आने वाले दिनों में ये 100 रुपए का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। जैसे ये 3 डिजिट में आएगा, स्टॉक के अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा और ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। तो अभी भी इसको खरीदारी करके होल्ड करना है स्टॉक के अंदर, यहाँ से जल्दी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए नैल्को पर भी। आशीष भी हमारे साथ हैं तैयार। आशीष, हिंडाल्को के तो दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से काफी बेहतर, नैल्को के बारे में बताएं क्या है बाजार का अनुमान इस समय? दीपांशु, नैल्को की भी नतीजे अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे, और लगातार हम देख रहे हैं कि मेटल स्पेस में जितने भी नतीजे आ रहे हैं काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हिंडाल्को में भी अगर आप देखें तो काफी अनुमान से बेहतर ही, मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 14% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 15% के आसपास के मार्जिन आए। अब बात की जाए अगर नैल्को की, तो नैल्को की भी जो नतीजे हैं काफी शानदार देखने को मिलेंगे। पिछले साल की जो तिमाही थी बहुत चुनौतीपूर्ण देखने को मिली थी, क्योंकि लगातार कीमतों में गिरावट रही। इस बार कंपनी का जो मुनाफा, इसमें आपको 33 टाइम्स की बढ़त देखने को मिलेगी। मामूली 17 करोड़ का मुनाफा जो है पिछले साल कंपनी ने दर्ज किया था, इस बार करीब 570 करोड़ का आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्जिन देखिए 9% से बढ़कर 30%, और जो कामकाजी मुनाफा है इसमें भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स की बढ़त देखने को मिलेगी। टॉप लाइन में 111% का इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो आपको नतीजे थोड़े सुस्त नजर आएंगे, क्योंकि पिछली जो तिमाही थी इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी, इसके लिए मुनाफा करीब 40% गिरता हुआ नजर आएगा। मार्जिन 33% से घटकर करीब 30%, कामकाजी मुनाफे में करीब 6% की गिरावट देखने को मिलेगी, और आगे जाकर कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है इस पर नजर आएगी। लेकिन साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया, तिमाही दर तिमाही हल्की कमजोरी नजर आएगी। यह है आपके लिए नैल्को के नतीजों का अनुमान इस वक्त आपके सामने। एक के बाद एक सारी कंपनियां ऐसी है जो तगड़े रिजल्ट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन आइए कुछ बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, और इस वक्त जो बड़ी खबर आती दिख रही वो आपके सामने रखेंगे। बिग ब्रेकिंग इस वक्त यह है कि बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स के लिए बड़ी खबर आती दिख रही है। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के लिए सूत्रों के हवाले से ये खबर आती दिख रही है, और खबर यह है कि CESL ने 1 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किए। 1 लाख गाड़ियां, क्या बात है, 1 लाख, ये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 लाख थ्री व्हीलर्स अब खरीदे जाएंगे और वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले होंगे, और इन थ्री व्हीलर्स का पूरे देश भर में अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो थ्री व्हीलर्स की दिग्गज कंपनी है बजाज ऑटो के लिए बेहद पॉजिटिव है। टीवीएस मोटर्स और कुछ हद तक महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी दो कंपनियां और है जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स बनाती है। तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका बिजनेस का इस वक्त आता हुआ दिख रहा है, ये है बड़ी खबर। और CESL ने यहाँ पर 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अपना इरादा किया है, और इसका इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए अपनी तरह का पहला टेंडर होगा, और इस तरह के टेंडर्स अब यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर पर पूरी गहरी पकड़ रखने वाली हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। जानते हैं स्वाति से ही कि इतनी बड़ी खरीदारी के पीछे की वजह क्या है, कब तक ये होने जा रही है, क्या कुछ बड़ी खबर उनके पास है। स्वाति बताइए, ये तो 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुनते मैं तो एकदम दंग रह गया, इतनी बड़ी खरीदारी एक साथ? बिल्कुल, आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पर, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड मैं बता दूं, टेंडर जारी किया है, जहां पहली बार इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए इस तरीके का पहला टेंडर है इनफैक्ट ये सरकार की तरफ से। और जो OEM से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने के लिए उन्होंने प्रस्ताव मंगाए हैं, जैसा आपने बताया बजाज, TVS और महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रियो, देखिए आपको उसका रिस्पांस भी बहुत स्ट्रांग दिखा है। अभी हाल ही में उन्होंने भी महिंद्रा की थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो लॉन्च की, उस पर भी बढ़िया
उनको यू नो सेल्स दिख रही है, तो इनके ऐसी कंपनीज के लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर अगर आप देखिए कन्वेंशनल थ्री व्हीलर से कंपेयर करें तो उसका जबरदस्त फायदा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रनिंग कॉस्ट, ऑलमोस्ट 45-50% कॉस्ट कम होती है उसको यूज करने में, और गवर्नमेंट का ये यू नो फोकस है कि सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अब हम पुश करें, और मोबिलिटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए थ्री व्हीलर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो ये थ्री व्हीलर्स देश भर में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होगा, कचरे के निष्कासन के लिए, पैसेंजर ऑटो, आजीविका देने के लिए यह इस्तेमाल होगा, यहाँ बहुत सारे सरकार ने यहाँ पे प्रावधान किए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो फेम टू पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की थी, जहाँ पर बहुत सारी छूट और रियायतें दी गई हैं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोविजनिंग है, और उसकी उसी के तहत आप देखिए यहाँ 1,00,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की प्रोक्योरमेंट सरकार कर रही है। इनफैक्ट मुझे ये बताया जा रहा है ये तो पहला कदम है, इसके बाद और भी इस तरीके के आप टेंडर्स देखेंगे क्योंकि खपत बहुत है और इसकी डिमांड भी आगे तरीके के आप टेंडर्स देखेंगे क्योंकि खपत बहुत है और इसकी डिमांड भी आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ते हुए नजर आएगी। तो CESL मैं बता दूं दर्शकों को कि ये है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है जिसे आप बेहतर जानते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। तो ये सरकार की एक एंटिटी है जो प्रोक्योर करने की इसमें एक बड़ा टेंडर जारी कर दिया, और ये खबर जैसे हम बात कर रहे हैं ये ऑफिशियल भी सर आ गई है। ओके तो यह है एक बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है जो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये तीन कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बनाने का काम करती है, और सरकार की एक सब्सिडी कंपनी है CESL, ये पूरे देश भर में 1,00,000 थ्री व्हीलर्स खरीदने की तैयारी में, जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स है उनके लिए ये बड़ी खबर आती दिख रही है। टीवीएस मोटर्स दमदार प्रदर्शन करता हुआ 1.5% ऊपर है, आज डे हाइस के आसपास टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाली कंपनियों के शेयर है। टीवीएस मोटर्स जरा इसके चार्ट देखिए, विश्वेश जी दीजिए अपनी राय। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला था, और सिंस मॉर्निंग में टीवीएस मोटर देख रहा था और अभी मैं बजाज ऑटो भी देख रहा हूँ अनिल जी, समहाउ न्यू शायद टीवीएस के लिए बेटर हो सकती है, लेकिन चार्ट पे बजाज ऑटो टेरिफिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज ऑटो का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ब्रिलियंट है, 3800 के स्टॉप से अगर लेते हैं तो 4100 तक के टारगेट्स निकल रहे हैं। तो अनिल जी बजाज ऑटो इज लुकिंग मच 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 स्ट्रॉन्गर देन द टीवीएस। आज ऑटो ज्यादा मजबूत ज्यादा बेहतर दिख रहा है टीवीएस मोटर्स के मुकाबले में, मैं सोचा बजाज ऑटो के लिए किरण जी को पूछूंगा, मामला पूना का है, लेकिन चलिए पूना किरण जी का काम आप ही ने आसान कर दिया। तो किरण जी अब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट देख लीजिए, अभी अभी नतीजे भी आए तो उस हिसाब से थोड़ा सा सुस्त है, जरा इसके चार्ट पर डालिए नजर। अनिल M&M का चार्ट थोड़ा साइडवेज में है, पर एक अच्छे सपोर्ट्स लगभग 755-760 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि ये अगर होल्ड करता है तो इवेंचुअली 780 का जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा, और ये 780 निकलने के बाद इस स्टॉक में असली तरीके से जान आ जाएगी, क्योंकि एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर टारगेट लगभग 810-820 के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और खबर पर मुहर भी लगती हुई दिख रही है, ऑफिशियली भी अभी खबर आ चुकी है, तो ऑटो सेक्टर और स्पेशली टू व्हीलर कंपनीज के लिए बड़ी बड़ी खबर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, M&M, इन पर आप रखिए नजर, बड़ा फायदा होगा इस खबर से इन कंपनीज पर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर अब आपको मुहर भी लगती हुई दिख रही है यहां पर। तो इस बीच ऑटो सेक्टर में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, बट नतीजे भी आ रहे हैं थिक एंड फास्ट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं, मुनाफा 200 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़ का आया, तो कुछ ज्यादा मुनाफे में बढ़त नहीं हुई है। NII 516 करोड़ से बढ़कर 724 करोड़ की आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी हल्की सी खराब हुई है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं NPS एलिवेटेड लेवल्स पर ही हैं, और शायद उसी की वजह से स्टॉक भी आप रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं। 4.25% से ग्रॉस NPS 4.31% बढ़कर आए हैं, और 2.18% से 2.26% नेट NPS आए हैं, तो हल्की सी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, मुनाफा एकदम स्टेबल, तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ी चिंता लेते हुए दिख रहा है, और इसलिए आप स्टॉक पर भी अब रिएक्शन देख रहे हैं, 1.5% नीचे है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बीच APL अपोलो, इस पर भी रखिए नजर, क्योंकि यहां पर बोनस
इशू बोर्ड ने अप्रूव किया है, 1:1 का बोनस इशू बोर्ड ने अप्रूव करा है। तो ये भी एक खबर है जहां पर आपको रखनी है नजर। हमने आपको बता भी दिया था नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, तो नतीजों का तो रिएक्शन आप एपीएल अपोलो पर आते हुए देख ही रहे हैं, बट 1:1 का बोनस जो डिक्लेयर किया है उसका भी रिएक्शन आप देख रहे हैं। तो अनिल जी, नतीजे और कुछ और खबरें आती हुई दिख रही हैं, स्टॉक्स भी भरपूर एक्शन में। बिल्कुल, इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है हमारे साथ सेठी साहब, वक्त सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब आपका। आपका ग्रेफाइट कमाल करता हुआ दिख रहा है, जो पिक आपने दी थी और वहां पर नतीजे बेहद मजबूत आए। आई एम श्योर आपके सारे टारगेट्स हासिल हुए होंगे। अपडेट और साथ ही साथ बताएं सर, आज के लिए आपने क्या स्टॉक्स चुने हैं? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आपको ठीक याद रहा, ग्रेफाइट को मैंने रिकमेंड करा था, मेरे 750 के टारगेट थे जो कि अचीव हो गए। बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं ग्रेफाइट के, और उसके बाद स्टॉक ने हाइज लगाए 750 के ऊपर के, अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। बट दमदार नतीजे पूरे मेटल सेक्टर से या मेटल से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके बहुत ही दमदार नतीजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने हिंडाल्को के भी नतीजे देखे और आज नालको और सेल दोनों के नतीजे अवेटेड है किमली। अनिल जी, जो आज के पिक्स है दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जो पहला स्टॉक है वो कंपनी का नाम है कैपेसिटी इंफ्रा, जो कि अभी 233-34 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कम और रियल इस्टेट पे फोकस ज्यादा है ये कंपनी। ये कंपनी जो जितने नामी गिरामी बिल्डर्स है, जैसे आपके ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज, ब्रिगेड, सिडको, फिर इवन के राहेजा, ब्रुकफील्ड, इन सब के लिए उनके जो बिल्डिंग्स है उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। इवन मेट्रो के भी प्रोजेक्ट को ये एग्जीक्यूट करती है। एक दमदार कंपनी है, करंट ऑर्डर बुक है 9,000 करोड़ की। मार्च तिमाही में बहुत ही सॉलिड नंबर्स आए हैं, 24.5 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल था 4 करोड़ का, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखेंगे तो 15 करोड़ का पैट के सामने 24.5 करोड़ का पैट आया था मार्च क्वार्टर में। और मार्च क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने FY22 के लिए बहुत ही एक एनकरेजिंग गाइडेंस दिया कि इनके जो रेवेन्यूज आएंगे वो 2,000 करोड़ और एबिटा मार्जिन रहेंगे 17.5-18% के, तो एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस स्टॉक में भी 10 तारीख को इसके इस तिमाही के नतीजे आएंगे, 10 तारीख यानी कि मंगलवार को, और साथ ही प्रिफरेंशियल इशू पे भी इनकी बोर्ड बैठक है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है जो कि करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 225 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए कैपेसाइट इंफ्रा, ये है वो पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेठी साहब आप लाइन पर रहिएगा, मैं आपसे 2 मिनट में फिर से आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पिरामल एंटरप्राइजेस के नतीजे इस वक्त फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 539 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% की शानदार तेजी यहां पर दिख रही है। आय 2910 करोड़ तक पहुंचती हुई दिख रही है, तो पहली नजर में नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के। मजबूत नतीजों के दम पर दिन की ऊंचाइयों की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो पिरामल एंटरप्राइजेस, ये रिजल्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। एक बार जल्दी से पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट पर राय दीजिए आप अपनी कुणाल जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बताएं सर कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, सुपर चार्ट्स हैं, लगातार पीएल आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे एनबीएफसीज को भी, बाजार को भी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिन्होंने नीचे के लेवल्स पर लिया है होल्ड करें। नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है 2615 का एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 2750 के लेवल्स भी इसमें एक दो दिन में आने चाहिए। ओके, 2750 बोला ना, कितना बोला आपने? 2750 अनिल जी, 2750 रुपए। ओके, 2750 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में यहां से भी अभी भी अपसाइड बाकी है। शानदार नतीजे पिरामल एंटरप्राइजेस के आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त है। ये है आपके लिए रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स के साथ साथ एक बार सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब, अगर आपकी भी कोई राय है पिरामल एंटरप्राइजेस में नतीजों पर तो वो भी बताएं, और साथ ही अपनी दूसरी पिक भी। बिल्कुल अनिल जी, पिरामल एंटरप्राइजेज पे भी बुलिश हूँ अनिल जी। अभी 2-3 दिन पहले से ही ये स्टॉक अच्छे लगने लगा है, अच्छे मोमेंटम में है, और इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट एक अच्छी तेजी हो गई है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो जिन्होंने निचले लेवल्स पे भी लिया हुआ है अभी भी प्रॉफिट पे होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और यहाँ से अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।
और जहां तक मेरा दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज दूसरा स्टॉक है एक मिड कैप सीमेंट कंपनी। हाल ही में मैंने दो तीन सीमेंट कंपनीज को रिकमेंड किया, एनसीएल इंडस्ट्रीज कमाल के रिटर्न दिए, फिर ओरिएंट सीमेंट उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मिड कैप सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है और हाल ही में जो भी नतीजा है, जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरियंट सीमेंट के नतीजे आ गए बहुत ही अच्छे थे, उस सेक्टर से मैंने आज स्टार सीमेंट को पिक किया, जिसको पहले भी कई बार रिकमेंड किया हुआ, 110 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनी है जिसका जो मेन प्लांट है वो मेघालय में है और मेघालय में भी जैंतिया हिल्स करके एक जगह है जो कि लाइमस्टोन में काफी रिच है, वहां पे इनका प्लांट है और उसके कारण से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो विद इन द इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे हैं, अराउंड 17-18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ये कंपनी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स है उनको कैटर करती है, बड़ा मार्केट है, इसके अलावा बिहार और वेस्ट बंगाल को भी कैटर करती है। हाल ही में इनका एक 2 मिलियन टन का प्लांट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में भी चालू किया है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15-16% के है, जीरो डेट कंपनी है, पिछले 5 साल का अच्छा प्रॉफिट का कैगर है। इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह, इसके जो नतीजे हैं वो आएंगे 13 तारीख को, 13 तारीख यानी कि अगले फ्राइडे को। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मुझे लगता है विद इन इन द शॉर्ट टर्म वी कुड सी लेवल्स ऑफ 125 रुपीज ऑन द स्टॉक, स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए। ओके, तो 125 के टारगेट के लिए स्टार सीमेंट पर खरीदारी करें और कैपेसिटी इंफ्रा 250 के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने स्टॉक्स शेयर करने के लिए। मूव भी यहां पर बढ़िया आते हुए दिख रहा है। कुछ और नतीजे इस बीच आते हुए दिखे, थोड़ी देर पहले BASF के नतीजे आए, उतना लिक्विड स्टॉक नहीं, उतनी चर्चा नहीं होती है स्टॉक की, बट 15% का उछाल आपको BASF के चार्ट्स पर आते हुए दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, एक बार नजर डाल दीजिए BASF, बड़ा उछाल इस पर आते हुए दिख रहा है नतीजे आने के बाद कंपनी के, यहां पर भी एक्शन भरपूर हो रहा है। तो एक एक करके काफी सारे नतीजे आ रहे हैं और उस पर बाजार रिएक्ट भी कर रहा है। यहां पर हमने देखा कि 32 करोड़ के घाटे के सामने 197 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय बाजार की स्ट्रेटजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में ठीक ठाक एक्शन चल रहा है, डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नैसडैक फ्यूचर्स यहां पर हल्की सी सुस्ती है, थोड़ा दिन की ऊंचाई से अमेरिकी फ्यूचर्स फिसले, बट अब वो शाम का जो जॉब्स डेटा है उसी पर सबकी नजर है। यूरोप में एकदम सपाट कारोबार है सर, ना 2 पॉइंट ऊपर ना 2 पॉइंट नीचे, एकदम फ्लैट यहां पर ट्रेड हो रहा है। और एशिया की भी बात करें तो एकदम फ्लैट ही कारोबार यहां पर भी हुआ। तो आज के डेटा के पहले ग्लोबल मार्केट्स तो कंसोलिडेशन दिखा रही है, हमें क्या करके जाना चाहिए? दीप, अपनी तेजी की पोजीशन में बरकरार रख सकते हैं, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि सोमवार को बड़े गैप से बाजार खुलेंगे। देखिए 16,125 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और उसके पहले 16,250 भी अपने आप में सपोर्ट है, तो एक बार 16,125 16,200 के रेंज को सपोर्ट मानकर आप लॉन्ग पोजिशन में बने रह सकते हैं। अगर आपको हेजिंग करनी है तो थोड़ी सी उस लिहाज से आप हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक ही दिक्कत दिख रही है आज और वो ये कि 16,300 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है और आज हम 16,300 के नीचे बंद हो रहे हैं। अगर 16,300 के नीचे बंद होते तो थोड़ी सी सोमवार के लिए हल्की सी रिस्क है 50 से 75 पॉइंट की, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आज बचे हुए समय में अगर निफ्टी 16,300 16,325 की रेंज में आता है तो वहां थोड़ी प्रॉफिट बुक करके हल्के हो जाए, वापस से 16,200 के आसपास के लेवल का इंतजार करें एंट्री करने के लिए, 16,200 या उसके नीचे के लेवल का, ये ज्यादा ठीक होगा। 16,300 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयरों का, कॉल्स में भी हाई 40 लाख शेयरों का, कॉल्स में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 52 लाख शेयरों का और उससे आप नीचे ट्रेड करें तो थोड़ा सा आज 3-4 दिनों की तेजी के बाद तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से बैकफुट पर हैं, थोड़ी सी नीचे की जगह है 16,125 से 16,200 की रेंज में आने के बाद करेक्शन पूरा करके निफ्टी फिर से मजबूत हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,000 को पार करना अब थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, 36,000 पर कॉल राइटिंग दबा कर हुई है, 22 लाख शेयर हैं, 14 लाख शेयर आज ही जुड़े, आप 36,000 आज पार नहीं कर पाएंगे और मंडे भी पार करने में थोड़ा सा पसीना आएगा, तो 35,800 से 36,000 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। नीचे की तरफ 35,500-36,000 की रेंज में जब बैंक निफ्टी आता है वहां पर खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। तो आज दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हायर साइड पर कॉल राइटिंग हुई है और ऐसे में अगर आखिरी एक घंटे में थोड़ी रिकवरी आती है उस रिकवरी में थोड़ी ऊपर के लेवल पर पोजीशन हल्की करके सोमवार को फिर से नीचे के लेवल पर एंट्री करने का आप प्लान कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दीप ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा तो वहां कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, वहां आप अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए, सिंपल जी।
बिल्कुल, तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक्शन बनेगा वहां पर आप तेजी की पोजीशन को बना के रखें। फिलहाल इंडेक्स लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, फिर से आपको एंट्री का मौका मिलेगा। पर ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन बढ़ रहा है, इसके तरफ हमने एक और बड़ा कदम आते हुए देखा, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 490 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर्स रिवाइज किए गए हैं और ज्यादातर फिल्टर्स को बढ़ाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या हुआ है ये एक्शन? डेफिनेटली सही कहा आपने कि 489 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है और सबके सब मेजॉरिटी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर को ऊपर की तरफ रिवाइज किया गया है। करीब 344 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर को 5% से बढ़ा के 10% किया है। कौन से है ये स्टॉक्स? रुचि सोया, MTNL, गोवा कार्बन, मैकलॉयड रसल, NRB बेयरिंग, 5 पैसा कैपिटल, ईडलवाइस, मजेस्को, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें सर्किट फिल्टर 5% से बढ़ा के 10% किया गया। और जाहिर सी बात है इन स्टॉक्स में आपने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली देखी थी, खासकर ब्रोकिंग कंपनीज देखे किस तरह की रैली देखने मिली थी, लेकिन ईडलवाइस 5% के आसपास आके रुक जाता था, तो अब उसको मौका मिला है कि 10% के आसपास की तेजी दिखा सके। इसके अलावा 140 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर को 10% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। उसमें हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है, इजी ट्रिप प्लानर्स, GM बेवरेज, बारबेक्यू नेशन, आज देखा आपने स्टॉक में किस तरह की रैली देखने मिली, NIT लिमिटेड, डोवाटिस, जैकॉप, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, सैटिन क्रेडिट, TCI एक्सप्रेस, एपेक्स सोलर, मद्रास फर्टिलाइजर, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जिनके सर्किट फिल्टर को 10% से बढ़ा के करीब 20% किया है। कुछ दो स्टॉक्स ऐसे भी है, कम लिक्विड स्टॉक है जिनकी हम बात भी नहीं करते, जिनके सर्किट फिल्टर 20% से कम करके 10% किए गए हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका 10 से कम करके 5 किया गया है, उनका कुछ एक आध स्टॉक ऐसे है जिसका 20 से कम करके 10 किया गया है, तो उन स्टॉक्स को हम चाहिए तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी स्टॉक्स है, करीब 484 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सर्किट फिल्टर जो है उनको बढ़ाया गया है। और देखिए ये पहले बार नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनके सर्किट फिल्टर में रिविजन देखा गया था और उसके बाद उन स्टॉक्स में जम के तेज़ी हुई थी। वैसे भी इस साल अगर आप देखेंगे तो NSE निफ्टी मिड कैप 100 जो है उसमें करीब 34% और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें करीब 47% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो करीब 45% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो वैसे भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और अब ये जो सर्किट फिल्टर रिविजन किए गए हैं इसके चलते आपको और भी आउट परफॉर्मेंस जो है इन स्टॉक्स में देखने मिलेगा, क्योंकि ये सर्किट फिल्टर के चलते एक लेवल पर आके रुक जाते थे, अब वो लेवल को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बड़े डेवलपमेंट्स और काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप में और एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और ज्यादातर इन स्टॉक्स में आप एक्शन देख ही रहे हैं। बाजार में इंडेक्स लेवल पर कंसोलिडेशन है पर मिड कैप स्मॉल कैप में है तेजी। आइए एक बाजार पर स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं आशु सर, बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, मुझे एक स्टॉक पे बुल स्प्रेड देना है, वो स्टॉक कवर हो चुका है पहले भी कई बार, लेकिन उसमें एक नया मूव है जिसके लिए मैं बुल स्प्रेड देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि अभी मैंने बैंक निफ्टी की 35,800 की पुट लेने के लिए बोला था, तो शायद वो अनिल जी ने गलती से कॉल बोल दिया था, तो मैंने कहा उसको करेक्ट कर दूं। सुना सबने पुटी है, मैंने पुट बोला था। और दीपांशु उसका व्यू है कि हमारा व्यू है कि 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकती है 35,500 तक, तो उसके चलते हमने 35,800 की एट द मनी पुट 280-290 रुपए में 100 रुपए के स्टॉप लॉस से 190 के स्टॉप लॉस से 450 रुपए के टारगेट से दी थी। रिपीट कर रहा हूं, दीपांशु स्टॉक का बुल स्प्रेड बनाना है JSW स्टील का, ये अभी भी काउंटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो दीपांशु, लेकिन अब क्या है कि जितना बढ़ते रहते हैं उतना सबके मन में डर आता है, क्या इस भाव पे भी लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि 800 की तरफ जा रहा है, तो 750 का इन द मनी कॉल लेना है जिसका भाव है 34-35 रुपए, और 800 रुपए के दो कॉल बेचने हैं जिसका भाव है 14.5 रुपए। तो ये जो स्प्रेड बनेगा दीपांशु 6-7 रुपए में बनेगा, 6-7 रुपए का मतलब है दीपांशु 750 प्लस 7 रुपए, 757 रुपए का आपका JSW लॉन्ग हो गया अगले 15-20 दिन के लिए, और 850 तक सेफ है। तो इतनी बड़ी मूव के बाद भी अगले 100 रुपए का एक बहुत अच्छा स्प्रेड बनता है, और मुझे लगता है कि JSW आगे पीछे करके 800 रुपए का भाव दिखाएगा, तो अगर दिखाएगा तो बहुत अच्छा जैकपॉट लग सकता है। तो JSW में जिसको अगर फ्यूचर नहीं लेना हो तो JSW में बहुत अच्छा ट्रेड है। ओके, तो एक स्प्रेड बना सकते हैं जहां तक सवाल है JSW स्टील पर, यह है आपके लिए आशु सर की राय इस समय। एक्शन में भी है मेटल स्टॉक्स, JSW स्टील पर हमारे एक्सपर्ट्स की भी लगातार कॉल आ रही है। आज सुबह सिमी जी भी बात कर रही थी, कल हिमांशु जी और वाघे साहब ने भी कहा था, और आशु जी की तरफ से भी एक स्प्रेड आ रहा है इस पर। आइए तो नजर रहेगी JSW स्टील पर जैसे मैं कह रहा था, कुछ और नतीजे बाकी हैं, चलते हैं आशीष के पास जानने के लिए आरती इंडस्ट्रीज कैसे आएंगे इसके नतीजे। आशीष बताइए।
दीपांशु, आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। दरअसल इनके दो सेगमेंट्स हैं और वहां पर देखें तो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इनका जो फार्मा सेगमेंट है इसमें भी सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 20% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। पिछले साल के मुकाबले सालाना आधार पर मुनाफा करीब 80% बढ़ेगा, 83% करोड़ से बढ़कर करीब 148 करोड़ के आसपास और मार्जिन में भी देखिए ठीक ठाक एक्सपांशन है, 19.4% से बढ़कर 21% के आसपास रहेंगे। कामकाजी मुनाफा 52% बढ़ेगा क्योंकि बिक्री इस बार अच्छी हुई है पिछले साल के मुकाबले, इसलिए आप टॉप लाइन में भी करीब 40% का इजाफा देखेंगे। साल दर साल तो नतीजे हैं ही बढ़िया, तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया और इनफैक्ट केमिकल स्पेस में अधिकतर कंपनीज ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। इनकी आय में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कामकाजी मुनाफा 6% बढ़ेगा, मार्जिन हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो मामूली 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, 22% से घटकर 21%, लेकिन इनका जो मुनाफा है इसमें 8% की ग्रोथ रहेगी। तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो 136 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़, यानी साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही ठीक ठाक स्टेबल नंबर देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए राय इस समय आरती इंडस्ट्रीज पर। एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम सुमित जी से बात भी कर रहे थे इस पर, नजर रखेंगे किस तरह का एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। आरती इंडस्ट्रीज 4% ऊपर, डेज हाई पर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मूव आ रही है कुछ और स्टॉक्स में जहां पर एक बार राय लेनी थी एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से एक्शन है। नजर रखिए अदानी पोर्ट्स पर काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हो रही है, अभी एक बड़ा ब्रेकआउट आया था उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिख रही है, नजर रखिए इस चार्ट पर भी। SBI लाइफ इस पर हो रही है खरीदारी, कार्लाइल की ब्लॉक डील के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपनी मोमेंटम को होल्ड करते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी कोई राय SBI लाइफ के चार्ट पर? सर मेरा ये मानना है कि सारे इंश्योरेंस स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं और जहां तक SBI लाइफ की बात है कंसिस्टेंटली परफॉर्मर है। मुझे लगता है कि यहां से इमीडिएट सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है अराउंड 1090, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 1300-1350 तक हम अगस्त सीरीज में देख सकते हैं, लेकिन पुल बैक आया तो एंट्री करना ज्यादा बेटर रहेगा। एंट्री करना जरूरी है कल के ब्लॉक डील के बाद, इस पर एक्शन आप और बनते हुए देख रहे हैं। कल भी तेजी में था, आज भी आपको थोड़ा पॉजिटिविटी ही ये काउंटर दिखा रहा है। आइए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे रहेंगे इसके नतीजे, चलते हैं वरुण के पास जाने के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए वैसे तो क्वार्टर वन जो रहता है वो BEL के लिए खासकर ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है, तो कुछ खास रहता नहीं है और हमारे हिसाब से थोड़ी ऑर्डर बुक में आपको तकलीफ देखने मिल सकती है, वहाँ पे थोड़ी गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। हमारा अनुमान है कि क्वार्टर ऑर्डर बुक जो है उसमें करीब 81% के आसपास की गिरावट होगी, नए ऑर्डर्स में 71% वाय होगी, कुल ऑर्डर बुक जो है 52,877 करोड़ के आसपास आ सकती है। ईयर एंड ईयर एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है उसका फायदा होगा, कुछ खर्च है वो भी कम हुए हैं तो उसका भी फायदा होगा, लेकिन क्वार्टर दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी रहने वाली है। हमारा अनुमान है रेवेन्यू जो है करीब 2284 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, एबिटा जो है 323 करोड़ के आसपास आ सकता है, एबिटा मार्जिन जो है करीब 14.1% पे आएगा। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 8.1% से बढ़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना होगा, लेकिन क्वार्टर ये आधा होने वाला है क्योंकि 28% से गिर के 14% पे आएगा। मुनाफा जो है 262 करोड़ के आसपास ही आ सकता है, तो कुछ खास नहीं रहेंगे नतीजे, ओके टाइप्स ऑफ नतीजे रहेंगे। वैसे Q1 जो है कंपनी के लिए कमजोर रहता है, तो कमजोरी आपको क्वार्टर देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो सीजनली सॉफ्ट क्वार्टर है, कुछ खास परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है इमामी पेपर की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर, आय दोगुना होती हुई दिख रही है, यहां पर जबरदस्त उछाल आया है और घाटे से मुनाफे में भी आई है कंपनी, 206 करोड़ से बढ़कर आए अब इनकी 429 करोड़ की आती हुई दिख रही है, 7 करोड़ के घाटे के सामने 32 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है, शानदार नतीजे इमामी पेपर के, स्टॉक भी स्पाइक कर रहा है। और अनिल जी लगातार आप भी कह रहे हैं कि पेपर स्टॉक्स नजर रखिए इस पर, जिस तरह से लंबर के प्राइसेस गिरे हैं काफी बड़ा फायदा होने वाला है, कई सारे पेपर स्टॉक्स आपने हाईलाइट भी करे हैं और ये इमामी पेपर के नतीजे भी उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दो गुना उछाल आए में और 7 करोड़ के घाटे के सामने 32 करोड़ का मुनाफा। सर बिल्कुल दीप, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त नतीजे हैं इमामी पेपर के, इसमें कोई डाउट नहीं, और पेपर कंपनियों के रिजल्ट्स वैसे भी मजबूत आ रहे हैं लेकिन इमामी पेपर्स के रिजल्ट्स कुछ खास ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप देखिए आय रेवेन्यू जो है इनकम जो है वो दुगुनी से ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और नुकसान से
मुनाफे में, और वो भी भारी भरकम 7 करोड़ का घाटा और उसके सामने 32 करोड़ का मुनाफा, बड़ा टर्न अराउंड है इमामी पेपर से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़े टर्न अराउंड के साथ इमामी पेपर आपके सामने। विश्वेश जी, इमामी पेपर चार्ट देखिए, क्या स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार? इनफेक्ट तेज तो दौड़ लगा ही रहा है, टारगेट्स बताइए कितना ऊपर जा सकता है? मेरे हिसाब से अनिल जी देखिए, जैसे ही स्टॉक 210 के ऊपर स्टेबल करेगा, मुझे लगता है 240 तक तो वन साइड जाना चाहिए। स्टॉक अगर आप देखेंगे अनिल जी, तो बहुत ही ब्रॉड रेंज थी 160 से 100 की, और 160 के बाद सेकेंड अटेम्प्ट था जब ये क्लोज दिया, तो मुझे लग रहा है अनिल जी 240 तक सीधा जा रहा है। यहाँ पे 185 के स्टॉक से खरीदारी करनी चाहिए, 240 का टारगेट रहेगा। ओके, तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, और बड़े टारगेट्स है यहाँ पर आपको आते हुए देख सकते हैं। इमामी पेपर, इसकी रही है शानदार परफॉर्मेंस, और स्टॉक पर भी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। बाकी पेपर स्टॉक्स पर भी नजर डालिए, आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, बट इमामी पेपर नतीजों के बाद दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहा है, ये काउंटर आय 2 गुना बढ़ती हुई दिखी है। चलिए, तो इमामी पेपर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, अच्छे एक्शन के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। अच्छा एक्शन कुछ और काउंटर्स पर आते हुए दिख रहा है, वहां पर एक बार डालते हैं नजर। नारायण हृदयालय का चार्ट सुबह से ही आपको काफी पॉजिटिविटी दिखा रहा है ब्रॉडर मार्केट में, अगर आप देखें। सुमित जी, क्या चल रहा है इस काउंटर में? लंबे समय बाद हम देख रहे हैं नारायण हृदयालय जैसे काउंटर पर बाजार की नजर पड़ रही है, कोई ट्रेड का मौका है सर? तेजी करने का सलाह रहेगा स्टॉक के अंदर, मेरे को लग रहा है कि अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक रिसेंट के हाई ब्रेक कर रहा है, और आज अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर 535-540 के आसपास या इसके ऊपर, तो ये स्टॉक यहाँ से अगले हफ्ते के अंदर फिर 570 रुपए से लेके 580 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 570 से 580 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, 600 रुपए तक के लेवल भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है नारायण हृदयालय का, इस पर भी आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। सिटी यूनियन बैंक, इसके नतीजे आ रहे हैं, आइए जानते हैं देवांशी के साथ क्या है बाजार का अनुमान। देवांशी बताइए। बिल्कुल, सिटी यूनियन बैंक इस बार आप देखिए जो इनकी ब्याज से आए उसमें करीब 6.5% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, साथ ही इसका जो मुनाफा है वो 24% तक कम होता हुआ दिखेगा। इस तिमाही में इनकी जो प्रोविजन है इस पर नजर रहेगी। असेट क्वालिटी की बात करें तो हल्की सी इस बार असेट क्वालिटी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ग्रॉस एनपीएस 5.1% से बढ़कर 6% के आसपास रह सकते हैं। नेट एनपीएस जो है वो भी 3% से बढ़ सकते हैं, करीब 4 से 4.25% के लेवल्स के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रोविजन इस बार थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे, स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट भी हम देखेंगे हल्के से ऊपर के लेवल्स की तरफ ही आते हुए दिखेंगे। एसएमई सेक्टर से काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है इस बार, और ज्यादातर जो स्लिपेजेस हैं वो यहां से आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते इस बार थोड़ा सा इंपैक्ट आपको एमएसएमई सेक्टर पर आता हुआ दिखाता है, और इसी के चलते सिटी यूनियन बैंक पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। असेट क्वालिटी पर नजर रखें, लेकिन इनऑल जो ब्याज से आए हैं वो हल्के से ऊपर आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सिटी यूनियन बैंक। एसेट क्वालिटी यहीं पर सबके कंसर्न्स बने हुए हैं, देखते हैं किस तरह के यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। बंसल जी से एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लें। बंसल जी, वैसे ज्यादा फोकस में आया नहीं है सिटी यूनियन बैंक, कैसी लगती है इसकी चार्ट सर? देखिए दीपांशु, चार्ट इसका बढ़िया था, बट मार्केट इसके अंदर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, और एक ही चीज पॉजिटिव है कि नीचे में इसका 148-149 के अराउंड एक सपोर्ट है, 148-149 के अराउंड एक सपोर्ट है, यही चीज सिर्फ एक पॉजिटिव है। तो जिसने लेना है वो 148.5 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है, होल्ड कर सकता है। मुझसे पूछेंगे तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं बैंकिंग स्पेस में, तो फॉर द टाइम बिंग इसको अवॉइड करेंगे। चलिए, तो फॉर द टाइम बिंग तो अवॉइड की ही सलाह है जहां तक सिटी यूनियन बैंक का सवाल है। नतीजे कैसे रहेंगे वो देखना पड़ेगा, बट नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक बर्जर पेंट्स का सवाल है, इसको पुल अप करिए, इसके अभी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में बढ़िया आपने बढ़त देखी है, और 140 करोड़ का मुनाफा आया है 15 करोड़ के मुनाफे के सामने। हमने अनुमान लगाया था 150 करोड़ का, तो हमने और भी बेहतर मुनाफे का अनुमान लगाया था। अच्छी बढ़त आई है, बट अनुमान से हल्की सी कम आती हुई दिखी, बट ओवरऑल फिर भी आपने अच्छी बढ़त देखी है जहां तक इनके मुनाफे का सवाल है। आय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1800 करोड़ की यहां पर आपको आय आती हुई दिख रही है, डबल हो गई है 930 करोड़ के सामने। आय हमारे अनुमान से बेहतर है, क्योंकि हमने 1600 करोड़ की आय का अनुमान लगाया था, उसके सामने आप देखें तो 1800 करोड़ की आय आई है, डबल हो गई है साल दर साल के बेसिस पर। आप देखें तिमाही दर तिमाही भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है, 2026 करोड़ से गिरकर 1800 करोड़ की इनकी आय आपको आती हुई दिखी है।
तो ओवरऑल वहां पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, हम देख रहे हैं 140 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखा है। अदर इनकम, यहां पर आपने अच्छी बढ़त देखी है, 7.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ की यहां पर आपको अदर इनकम भी आती हुई दिखी है। ओवरऑल अगर आप एक्सपेंसेस देखें तो ऑफकोर्स साल दर साल एक्सपेंसेस बढ़कर आए हैं, बट ठीक ठाक ही फिगर लिख रहे हैं, तो ओवरऑल चेक में ही आपको लग रहे हैं इनके नतीजे आते हुए। अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है जहां तक सवाल है बर्जो पेंट्स की परफॉर्मेंस का, तो नजर रखिए बर्जो पेंट्स। कुणाल जी से एक बार राय भी ले लें इसके चार्ट पर। कुणाल जी नतीजों के बाद रिएक्ट कर रहा है, देखते हैं किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ फिगर रहा है बर्जो पेंट्स की तरफ से, बट चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए चार्ट पे कोई ऐप नहीं है दीपांशु, एक सपोर्ट दिखाई देता है मुझे और ये सपोर्ट 820 रुपए के आसपास है। आज का इंट्राडे लो देखेंगे तो 821 है, तो बिल्कुल सपोर्ट के करीब से ही स्टॉक वापस उछाल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कोई चिंता की वजह नहीं है। जिन्होंने खरीदा हुआ है 820 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर इत्मीनान से होल्ड करें, और जो नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है 860 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो नया मोमेंटम बनेगा, इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करना है, और अगर आपके पास पोजिशन है तो 820 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 820 का स्टॉप लॉस रखना है, ये है आपके लिए राय। 9.9% से बढ़कर 13.9% मार्जिन आए, तो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है कंपनी का, ऑफकोर्स साल दर साल के बेसिस पर अगर आप देख रहे हैं। आय में अच्छी बढ़त है पर मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम रहा है बर्जो पेंट्स, इसके भी नतीजे आते हुए। पर एक बड़ी खबर जो आज सुबह आई थी उसका बाजार ने इम्पैक्ट भी देखा, पर उस समय हम पॉलिसी के बीच में थे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। फ्यूचर की जो डील है रिलायंस के साथ, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उन्होंने अमेजॉन के पक्ष में अपनी रूलिंग दी है। अब क्या समझना चाहिए एक तो फैसले से सुप्रीम कोर्ट के, इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, और इससे फ्यूचर ग्रुप की डेट की जो सिचुएशन है वहां पर क्या एक्शन है, ये पूरा डिटेल्स तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी बताइए क्या चल रहा है इस मामले में अब? बिल्कुल दीपांशु, मैं आपको सबसे पहले तो क्विकली बता देती हूँ कि क्या ये पूरा मामला बनता हुआ दिखा था। तो अमेजोन की अब बड़ी जीत होती हुई दिखी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के बीच में ये डील होने वाली थी, और अब ये डील होती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि अमेजोन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे, और अमेजोन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सिंगापुर के आर्बिट्रेटर की उन्होंने कहा था कि जो भी उन्होंने फैसला सुनाया था वो अब भारत में भी लागू होता हुआ दिखेगा, वो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और इसी के चलते अमेजोन के फेवर में ये फैसला आता हुआ दिखा था। मैं आपको बता दूं कि 2019 में अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप में जो फ्यूचर कूपन्स थे इस कंपनी में 49% हिस्सा खरीदा था। फ्यूचर रिटेल जो कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, और क्योंकि अब फ्यूचर रिटेल और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में डील होनी थी, तो अमेजोन का ये कहना था कि उनके कंसेंट के बिना ये डील गो थ्रू नहीं हो सकती है, और वो राजी नहीं थे इस डील को लेकर, और इसी के चलते आप देखिए उन्होंने इस ये जो केस है वो किया था हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये केस किया था। ये जो टोटल डील है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के बीच में होने वाली थी वो 24,700 करोड़ के आसपास की थी, इससे फ्यूचर ग्रुप का जो कुल डेट है वो कम हो जाता। पूरा का पूरा जो डेट रीपेमेंट है जो कंपनी के लेवल पर था वो पेमेंट करने की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की थी। अब मैं सीधा बैंक पे आती हूँ कि किस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। अब देखिए माना जा रहा है कि करीब 15,000 से 16,000 करोड़ के बीच में ग्रुप का टोटल डेट था। इसमें भी जो बैंक ऑफ इंडिया है और एक्सिस बैंक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इस ग्रुप का था। बैंक ऑफ इंडिया का करीब 5,750 करोड़ का एक्सपोजर है, इसके साथ ही अगर आप एक्सिस बैंक की बात करें तो करीब 1,250 करोड़ का एक्सपोजर जो है वो एक्सिस बैंक का फ्यूचर ग्रुप की तरफ है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जहाँ पे करीब 750 करोड़ का एक्सपोजर है। काफ़ी और भी बैंक्स हैं जहाँ पे करीब 200 से 300 करोड़ का एक्सपोजर है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोजर इन बैंक्स का है जिन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि केवी कामत जो कमेटी थी उन्होंने इस ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी थी, और जो लेंडर्स थे वो ऑलरेडी इस ग्रुप से बातचीत कर रहे थे लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने में, लेकिन अब लेंडर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि कोई भी नॉन कोर असेट्स की बिक्री कंपनी ने नहीं की है, और इसके चलते अब बैंक्स ने ऑलरेडी काफ़ी बैंक्स ने करीब 15% तक के प्रोविजन्स कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोविजन्स और जो राइट ऑफ है वो करना बचा होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि फ्यूचर ग्रुप पेमेंट कैसे करती है इन बैंक्स को अगर ये डील गो थ्रू नहीं करती है तो।
बिल्कुल, तो एक तो अब डेट पेमेंट पर आपको कंसर्न बनते हुए दिखेंगे, कुछ बैंक्स का एक्सपोजर है हमारे सामने, पर ढेरों और बैंक्स हैं जहां पर कंपनी के लोन्स हैं, लगभग 28 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर भी असर पड़ते हुए दिख सकता है। और साथ ही देखिए, जैसे यह देवांशी हमें इसके बारे में बता रही थी, कुछ एनसीएलटी से भी आपको आदेश आते हुए दिख रहे हैं, जो इस डील के मामले में उनका एक ऑर्डर था उसको भी इन्होंने टाल दिया है। आरआईएल की सहयोगी कंपनी ने याचिका डाली थी, उसके आदेश को इस समय एनसीएलटी ने टाल दिया है, तो यहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। तो अच्छी खबर नहीं है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और डेफिनेटली अब आप इसका इंपैक्ट सारे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स पर ही देख रहे हैं, और सुबह से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी दबाव बना हुआ है, 2% नीचे ये काउंटर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है इस डील को लेकर। नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, एक बार जरा किरण जी से चार्ट पर भी व्यू ले लें। किरण जी, 2% नीचे रिलायंस 2100 के नीचे, चार्ट्स पर लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है सर? दीप, ऑन द हायर साइड 2150 ये एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा, इसके ऊपर ही बाय करने की सलाह रहेगी, और नीचे में अभी सपोर्ट इधर से 50 रुपए नीचे है 2050 के आसपास, इसके बीचों बीच कुछ नहीं करना चाहिए, पर अगर बाय करना है कभी भी तो 2150 की लेवल याद रखे, कैश लेवल है, और अगर ये लेवल निकल जाए तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। मिनिमम टारगेट 2250 यानी 100 रुपए की अपमूव आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगी। ओके, तो 2150 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बट फिलहाल डील पर रोक लगने के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर दबाव भी इस समय बना हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस पर, एबी कैपिटल, सुबह भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, नतीजे भी कंपनी के दमदार आते हुए दिखे और अभी भी गेन्स के साथ ही ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, एबी कैपिटल आज की जो गेन्स आई है, क्या इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पोजिशन लेने का, क्या कोई बीटीएसटी कॉल बनती है एबी कैपिटल पर सर? कैरी करके जाए दीपांशु, एबी कैपिटल नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव दिखा सकता है, स्टॉक के अंदर 120 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते 128 से 130 तक के लेवल एबी कैपिटल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो एबी के अंदर पोजीशन होल्ड करें 8 से 10 रुपए के अपसाइड मूव के लिए। ओके, तो 8 से 10 रुपए के अपसाइड मूव के लिए एबी कैपिटल यहां पर अपनी पोजीशन होल्ड करके चले, ये है राय आपके लिए, काउंटर भी आप बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। बंसल जी, आज सुबह इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय आई थी, उसके बाद पॉलिसी के बाद थोड़ा बाजार कंसोलिडेशन में रहा है, तो ये भी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था, पर अब फिर से मूव आती हुई दिख रही है इंडसइंड बैंक में, जरा कॉल को रिवाइज करें बंसल जी, इंडसइंड बैंक। देखिए दीपांशु, अब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सुबह से ज्यादा हो रखी है, और यहाँ पर नीचे में 1014-1015 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है 1014 नई खरीदारी का भी कैंडिडेट है 1014 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में जो टारगेट्स हैं इसको भी ऊपर में 1046-1050 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो 1046-1050 के टारगेट्स हैं इंडसइंड बैंक के लिए, नजर रखिए इस पर, मूव आपको आती हुई दिख रही है। आइए सेल, इसके नतीजों का इंतजार है और बाजार काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है, सिटी साहब ने भी 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी है, आशीष जी को भी पसंद आया ये काउंटर पिछले हफ्ते, क्या है बाजार का अनुमान जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, इस बार कैसी रहेगी सेल की परफॉर्मेंस? दीपांशु, दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, घाटे से जो है मुनाफे में आएगी, साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 1270 घाटे के मुकाबले 4290 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में भी अगर आप देखें तो बेहतरीन एक्सपेंशन है, 35% के आसपास के जो एबिटा मार्जिन है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। कामकाजी पिछले साल जो है घाटा था 403 करोड़ का, इस बार 7044 करोड़ का जो है कामकाजी मुनाफा देखने को मिलेगा। टॉपलाइन में 120% का इजाफा साल दर साल देखने को मिलेगा। तिमाही दर तिमाही की अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 14161 रुपए से बढ़कर 20902 रुपए प्रति टन रहेंगे, और जो मुनाफा है इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन करीब 26% से बढ़कर 35% और कामकाजी मुनाफा भी बढ़ेगा। टॉपलाइन में जरूर तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन डेट रिडक्शन के ऊपर क्या कमेंट्री आती है, कितना कर्ज इस बार घटता है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। साल दर साल तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर दमदार नतीजे जाएंगे। बिल्कुल, तो दमदार नतीजे आने वाले हैं सेल के लिए, थोड़ा नतीजों से पहले कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, बट आशु जी क्या राय देंगे सेल पर, नतीजों के एंटिसिपेशन में थोड़ा मूव ऑलरेडी आया था 2 दिन पहले, बट कैसी क्या व्यू है सेल पर इस समय, और किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी सर?
दीपांशु देखो मेटल्स में अभी भी मोमेंटम कायम है, रिजल्ट अच्छे आने हैं, लेकिन ये सब काफ़ी कुछ डिस्काउंटेड भी है, इसलिए आप देखो कि जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा भी लगता है तो भी मैंने स्प्रेड दिया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दीपांशु मेरे को एक सवाल था, आज अनिल जी शायद कहीं बिजी लग रहे हैं, मुझे उनसे पूछना था कि इस मार्केट के लेवल पे मतलब जो हो रहा है, आप ये देखिए दीपांशु सेल रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, स्टेट बैंक के आए रिजल्ट के बाद देखिए क्या है, सिप्ला के आए मतलब अक्रॉस द बोर्ड बात करो, आज हिंडालको के भी आए ऊपर के बाद नीचे है, तो अगर आप पिछले दिनों में देखिए जो जो रिजल्ट आता जा रहा है अच्छा भी आ रहा है, उसके क्या ये सब डिस्काउंटेड है, क्योंकि मेटल कंपनीज के साथ जो भी बेनिफिट है वो हमें पता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दीपांशु मुझे ना सब में कंसर्न लग रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट कैसे करना है, आई थिंक दैट इज द रीजन कि हम इस वक्त ज्यादा स्प्रेड्स के अंदर है, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेशन भी है रिस्क भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम जो दिख रही है ना कि बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड हो रही है एंड अक्रॉस, इट इज नॉट कि मैं सिर्फ मेटल कंपनी की बात कर रहा हूँ, बात मेटल में तो पॉजिटिविटी बनी ही रहेगी, और मतलब आज भी आप देखिए जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं ये तो आने वाले टाइम में भी मतलब इनके तो मैं तो बार बार बोलता हूँ कि ऐसे डेट जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे कि कैसे खत्म होंगे वो सब इसी साल के अंदर एक एक साल के अंदर खत्म हो रहे हैं, सो दैट देयर हैज बीन अ मेजर फंडामेंटल शिफ्ट, बट ओवरऑल जो आपने रिजल्ट्स की बात की आई थिंक रिजल्ट्स के बाद सबका रिएक्शन नेगेटिव लिख रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा अभी जो हफ्ते से कॉशियस अप्रोच है वो देखिए मिड कैप में पहला डेंट हल्का सा शुरू हुआ, लार्ज कैप्स में बाइंग होने के बाद भी जो पॉपुलर स्टॉक्स है वो नहीं चल रहे रिजल्ट्स के बाद हैं, सो आई थिंक वन हैज टू पार्टिसिपेट इन इंडेक्स ओनली इफ समबडी हैज अ बुलिश व्यू इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्टॉक, ऑन द कॉन्ट्री जो ज्यादा बात होती है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फिर भी समझ जाएगा स्टॉक्स में, मतलब आप ये देखिए ना जो मैं एक बात बोलता था दीपांशु एक और रिपीट कर रहा हूँ, टाटा मोटर एक्सीडेंट, डॉक्टर रेड्डी एक्सीडेंट, वोडाफोन आइडिया एक्सीडेंट, आज रिलायंस में न्यूज आई 50 रुपए नीचे, तो ये लेवल ऐसे हैं इस मार्केट के, कोई भी चीज मतलब पॉजिटिव के बाद तो रिजल्ट में आप देखिए नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, किसी भी चीज में नेगेटिव आए तो करेक्शन नहीं आएगी एक्सीडेंट होंगे, तो आई एम जस्ट वेरी ऑफ दोज एक्सीडेंट, दैट इज व्हाई आई एम अडॉप्टिंग अ वेरी कॉशियस व्यू एंड प्रॉब्ली पार्टिसिपेटिंग थ्रू स्प्रेड्स। सही बात है सर, और फुली प्राइस्ड इन बाजार है तो आप बड़े एक्सीडेंट्स आपको होते हुए दिख सकते हैं, हालांकि वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए क्योंकि कल 25% टूटा था स्टॉक, 25% जितना टूटा पूरा रिकवर हुआ और आज 20% ऊपर है, तो सम अप कर रहा है किस तरह से कुछ ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेंट्स में बाजार में एक्शन बनते हुए आपको दिख रहा है। पर आइए स्टॉक्स की बात करी तो बैन से बेनिफिट क्या बदलाव हो सकते हैं वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में, इस पर जानते हैं मोर डिटेल्स, आशीष हमारे साथ तैयार है बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, चार स्टॉक्स तो हैं अब बैन में, क्या बदलाव हो सकते हैं इस बार? दीपांशु चार स्टॉक जो बैन में है वो तो बैन में बने ही रहेंगे, चारों में से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आई हो, तो आरबीएल बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक और सन टीवी, ये चारों स्टॉक जो बैन में है बैन में बने रहेंगे। लेकिन नतीजों से पहले दो मेटल स्टॉक्स एंट्री की पूरी तैयारी बना चुके हैं, सबसे पहला नाम आता है नालको का, यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 104% हो गई है, तो यहाँ पर नजर रहेगी ये स्टॉक तो पक्का हो गया कि बैन में आएगा। इसके अलावा सेल की भी पूरी संभावना नजर आ रही है, 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है, अब करीब 98.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो नतीजों से पहले नालको और सेल ये दोनों स्टॉक जो है बैन में आएंगे, बाकी के जो चार स्टॉक हैं वो बैन में बने रहेंगे। तो नेल्को और सेल दोनों आ जाएंगे आपके बैन में, और जो बैन में है वो बने रहेंगे, कोई भी वार आएगा नहीं, तो धीरे धीरे लिस्ट बढ़ती जाएगी, कम होने के आसार नहीं, वैसे भी सीरीज की शुरुआत में आमतौर पर कहां लिस्ट छोटी होती है, ये तो बढ़ती ही रहती है, तो ये बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ स्टॉक्स का जैसा भी आशीष सर जिक्र कर रहे थे, जब मैं सुन रहा था कि रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टॉक्स चलते नहीं है, वहां पर प्रॉफिट बुक आती है, लेकिन इस ट्रेंड को अलग दिखाता हुआ एक स्टॉक जहां पर विश्वेश जी बड़े बुलिश रहे, और आई एम श्योर विश्वेश जी के सारे टारगेट्स भी आगे होंगे। मंगलवार को विश्वेश जी आपने पिरामल एंटरप्राइजेस पीएल रिकमेंड किया था, स्टॉक देखिए रिजल्ट के बाद भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, 2650 के ऊपर दिन के हाई पॉइंट के आसपास है पिरामल एंटरप्राइजेस, अपडेट भी दे और बताएं जिन लोगों ने ले रखा है क्या करना है। ठीक है अनिल जी, बहुत अच्छे से स्टॉक आप इमेजिन नहीं कर सकते वो लेवल पे था, तो मुझे लग रहा है कि अब जिस हिसाब से स्टॉक में 2500 के ऊपर मुंह आया है, लार्ज ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये सीरीज में 2780 और उसके ऊपर जो ऑल टाइम हाई है 3300 वहां तक भी जा सकता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है उसके बाद मुंह
मूव आता है, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, 2800 के टारगेट तक के लिए होल्ड करना चाहिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, होल्ड करने की राय पीरामल एंटरप्राइजेस में, बेहद मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। बैन की बात कर रहे थे और उस बैन में जाने वाला एक स्टॉक मेटल स्टॉक्स भी है, सेल और नेलको, उन पर भी बात करेंगे। उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है कैश का ऑप्शन। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन चूज किया आज आपने? जी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी लास्ट दो सेगमेंट से मैं थोड़ा कैश सॉरी स्टॉक्स पे इनफैक्ट फोकस कर रहा था, बिकॉज इंडेक्स में कहीं ना कहीं कॉल्स मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन फेज में ना चले जाए। स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़िया था जो देखने मिला भी आज सुबह हमारा बैटरीज में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका थोड़ा बहुत एक यू नो शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उससे। तो यहाँ पे 16,150 का कॉल खरीद के चले, 133 पे चल रहा है ये 12th August की एक्सपायरी का, 133 पर चल रहा है 16,150 का कॉल। अनिल जी इसको खरीद कर चलना है, यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स बनकर आ रहे हैं, पहला टारगेट रहेगा मेरा 177 का, सेकंड टारगेट बन रहा है मेरा 203 का, 177-203 के लिए खरीदना है इसको। एंड अनिल जी नीचे में जो इसका स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट वुड बी अराउंड 98 पर, क्लोजिंग बेसिस पर हम इसको रखेंगे, वीकेंड है इसीलिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल सेटअप तो पॉजिटिव ही है, थोड़ा कूल ऑफ होना था हाई लेवल से, और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 36,000 और 35,700 के रेंज में कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, 35,700 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, विच इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड साइन। सो वो होल्ड कर रहा है, एंड निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया तो आई थिंक शुड बी यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसलिए 16,150 का कॉल खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो 16,150 का कॉल खरीदिए, कंसोलिडेशन जो होना था वो हो चुका है, बाजार फिर से एक्शन में लौटते हुए आपको दिख सकते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। और क्योंकि निफ्टी पर बढ़िया ऑप्शन दिया है जय ने, तो उनका सपोर्ट देने के लिए तैयार है विश्वेश जी, एक बढ़िया ऑप्शन बैंक निफ्टी के लिए। बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको आप वेव फोर का ट्रायंगल कह सकते हो, और उसका लोअर एंड इज समवेयर अराउंड 35,700 ऑन द फ्यूचर। तो मुझे लगता है यहाँ से 100-150 पॉइंट की पुलबैक हो सकता है। मंडे के मॉर्निंग सेशन में मैं हूं नहीं, इसीलिए ट्रेड अभी से इनिशिएट करता हूँ। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है, और वो खरीदना है 36,200 का। देखिए मेरा ये व्यू है कि यहाँ से बैंक निफ्टी शायद 150 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन 700 पॉइंट ऊपर जाएगा, 37,000 भी जा सकता है। तो नेट मुझे ऐसा लगता है 36,200 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन समवेयर अराउंड 140-160 की रेंज में अक्यूमुलेट करना चाहिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखिए, क्योंकि आप वीकेंड कैरी कर रहे हो तो 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन टारगेट जो है वो 300 और 450 के हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के आगे में जो ट्राइंगल बन रहा है, इट हैज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड, और मुझे लग रहा है SBI भी वो रीजन में है जहां पे खरीदना चाहिए। तो नेट बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू। ओके, तो SBI भी उसी रीजन में आ रहा है खरीदारी करने के, और आप बैंक निफ्टी पर भी एक्शन देख रहे हैं। 36,200 की कॉल खरीदने यहाँ से 400 पॉइंट से ऊपर पर आपको गेन्स भी बढ़िया आपको आते हुए दिखेंगे, डबल और फिर ट्रिपल आपके इस ऑप्शन की वैल्यू होते हुए दिख सकती है। तो जय की तरफ से 16,150 की कॉल पर खरीदारी, विश्वेश जी की तरफ से 36,200 की कॉल पर खरीदारी, बाजार एक्शन में लौटने की तैयारी में आपको आते हुए दिख सकते हैं, ये है राय। इस बीच सुदर्शन केमिकल्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, 18 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 26 करोड़ का आया है। हालांकि स्टॉक थोड़ा दबाव में आपको इस समय दिख रहा है, आय भी 350 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ की आती हुई दिख रही है। क्विक कॉल ले लें सुदर्शन केमिकल्स पर कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी नतीजे तो आ रहे हैं पर स्टॉक थोड़ा सुस्त है आज, क्या राय देंगे चार्ट पर?
देखिए एक मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है दीपांशु, मुझे लगता है कि एक मौजूदा स्तरों पर होल्ड करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है 720 का एक स्टॉप लॉस रख लें, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा इसकी संभावना कम दिखती है, 720 के नीचे गया तभी चिंता है, अन्यथा बने रहने की राय है। मुझे लगता है स्टॉक रिकवर होना चाहिए, वापस से आपको 780 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो फिर स्टॉक में दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए राय सुदर्शन केमिकल्स पर। थोड़ा नतीजों के बाद हम स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं, हालांकि मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ का यहां पर आते हुए दिखा है, कामकाजी तौर पर थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस इनकी आती हुई दिख रही है सुदर्शन केमिकल्स पर। एक स्टॉक जहां पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है किरण जी, अभी अभी दिख रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, 3% ऊपर आया स्टॉक, अभी एक मूव आई है, कोई बीटीएससी ट्रेड सेंचुरी में किरण जी? लेके जा सकते हैं बिल्कुल, एक पिछले 5-6 दिनों का सपोर्ट ही है जहां से बाउंस बैक लिया है, तो बिल्कुल बीटीएसटी बनता है। 770 का स्टॉप लॉस रहेगा, 805-810 ये टारगेट्स रहेंगे सोमवार के लिए। ओके, 805-810 के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली बीटीएसटी कर सकते हैं, और अच्छा स्पाइक सेंचुरी टेक्सटाइल्स में आपको आते हुए दिख रहा है। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के इस हफ्ते आइए चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। अनिल जी, बैंक निफ्टी पूरी तरह रिकवर होकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, हालांकि निफ्टी पर फिलहाल दबाव दिख रहा है, स्पेशली रिलायंस जो 2.25% नीचे है, एचडीएफसी पर भी आज प्रेशर बना है, पर ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात करूं सर तो ठीक ठाक एक्शन है ग्लोबल बाजारों में। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है सुबह की तेजी को गिव अप करते हुए, नैसडैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, यूरोप के बाजार एकदम सपाट है, कोई बड़ा मूवमेंट वहां पर नहीं हो रहा है, एशिया की फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, कच्चे तेल में कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, गोल्ड में भी आप 0.5% की सुस्ती आते हुए देख रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स सुस्त हैं एकदम फ्लैट आज जॉब्स डेटा के पहले, हमें क्या करके जाना चाहिए सर? तो दीप तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं। देखिए पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी आपका मजबूत हो गया है, इतना खराब है नहीं और रिकवर हो रहा है, तो बैंक निफ्टी अच्छा ही है। और निफ्टी में भी आप देख रहे हैं कई बार ऐसा होता है ना कि इंडेक्स मजबूत रहता है और फिर हम कहते हैं कि ये तो एक दो स्टॉक है जिन्होंने इंडेक्स को पकड़ रखा है, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, बाकी ब्रॉडर मार्केट में तो खराबी है, कि कोई रिलायंस या कभी किसी एचडीएफसी बैंक या किसी आईसीआईसी बैंक का नाम आता है, किसी एचडीएफसी का नाम आता है। तो आज मैं उल्टा कहूंगा, इंडेक्स भी मजबूत है, एक रिलायंस और एचडीएफसी तो डाउन है, अगर दो स्टॉक अगर आपके ज़्यादा डाउन है उसकी वजह से इंडेक्स डाउन है, एक्स रिलायंस आप देखिए तो निफ्टी भी मजबूत है, तो ऐसे इंडेक्स में भी कोई समस्या नहीं है। 16125-16200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसके नीचे ही 16125 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही आपके लिए रिस्क का पहला लेवल खुलता है, हल्का फुल्का वो भी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खास समस्या दिक्कत वाली बात है। तो दो तीन स्टॉक जो हैवी वेट्स हैं, एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई, रिलायंस, ये हल्के से कमजोर हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा दबाव है, बाकी सब ठीक है, तो और कोई इश्यू नहीं। और बैंक्स भी आप देखिए धीमे धीमे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडेक्स में अगर आपको रहना है आप पोजीशन रख सकते हैं, अगर आउट ऑफ द मनी एक पुट ऑप्शन खरीदना चाहें अपनी लॉन्ग पोजीशन पर तो वो होगा आपका 16,000 का, और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, 16,400 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर लें, क्योंकि जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है 16,300 के पार निकल कर टिकना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर कॉल राइटिंग काफी हुई है। अब जो फ्रेश तेजी और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो 16,300 को पार करने के बाद में बनेगी, तो ये आपके लिए लेवल हो गए निफ्टी के। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 100% लॉन्ग पोजीशन आपकी बनी रहनी चाहिए, 36,000 नो डाउट थोड़ा सा रुकावट वाला मामला है, तो 36,000 के पार निकलने के बाद सोमवार को बैंक निफ्टी में भी एक्शन भरपूर आता हुआ दिखेगा, फिलहाल 35,500-36,000 की रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आपको रिस्क ओवरनाइट या वीकेंड की कम रखनी है तो सोमवार आकर ट्रेड कर लें, और रखनी है तो फिर ऑप्शंस के स्प्रेड के जरिए या फिर आउट ऑफ द मनी का पुट और कॉल ऑप्शन, आपकी जो भी पोजीशन हो उस हिसाब से करें। मार्केट एकदम बैलेंस्ड है दोनों तरफ, और बैलेंस्ड मार्केट में मैं ट्रेंड के साथ रहता हूं, और ट्रेंड तेजी का है, और दीप यही वजह पिछले 3-4 महीने में एक भी शॉर्ट कॉल हमने इंडेक्स पे दिया नहीं, और जब भी जितनी भी बार इंडेक्स जोर से गिरा है और लोगों को लगा कि अब रेंज के नीचे जाने की तैयारी में, वहां से हमने कहा कि खरीदने का मौका है, पहले सपोर्ट लेवल पर, इंपोर्टेड सपोर्ट लेवल पर, और अब भी वही ट्रेंड है। इनफैक्ट दीप कोशिश करूंगा मंडे के दिन, हमने एक जो फॉर्मूला बनाया था आप और हम दोनों ने मिलकर शो किया था बाजार का टॉप कब कहां कैसे, अगर हो पाया तो मंडे को उसको रिविजिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन लेवल्स के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, ये 16,300 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होना शुरू कर दे, लगभग लगभग उसके आसपास ही है, तो निफ्टी रिस्क फ्री जोन में जा रहा है जहां पर बड़े करेक्शन की संभावना कम हो जाती है,
खत्म हो जाती है। बड़े करेक्शन से मेरा मतलब है अगर 5% से ऊपर का करेक्शन आए उसे ही हम बड़ा करेक्शन मानते हैं। 3 से 5% का करेक्शन एक नॉर्मल रनिंग करेक्शन के तौर पर होता है, तो 3 से 5% से ज्यादा की डाउनसाइड रिस्क निफ्टी में खत्म हो जाती है, ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है। वीकेंड पर इस फॉर्मूले पर हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे सोमवार मंगलवार को हम इस फॉर्मूले के साथ में आपको और डिटेल में बताएं कि बड़े लेवल्स बड़े लक्ष्य कहां तक आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। आपको याद होगा 12,000 के आसपास निफ्टी हुआ करता था, तब हमने 15,000 16,250 17,500 19,000 21,080 ये सारे टारगेट्स निफ्टी पर दिए हैं। अब भी उस फॉर्मूला के मुताबिक कुछ और बेहतरीन तेजी बनती हुई दिखी। एनीवे वो थोड़ा लंबा वाला मामला है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एकदम बैलेंस पोजीशन है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। इस बीच बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो 36,200 का अभी विश्वेश जी बता रहे थे, ये एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 150 वाला लगभग 200 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। विश्वेश जी एक बार अपडेट दें, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ली में कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन 2000 पॉइंट चलने के बाद है। 2000 पॉइंट चल के बैंक निफ्टी में करेक्शन नहीं आता और कंसोलिडेशन होता है, आर्ली चार्ज पे पॉजिटिव रिवर्सल है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड नॉट स्टॉप बिफोर अ न्यू हाई, तो यहाँ पे मेरा स्टैंड पॉजिटिव है। HDFC बैंक चल रहा है, मुझे लगता है SBI भी वो रेंज में आ गया जहां खरीदना चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे लगता है आने वाले 3 से 5 सेशन में 36,500 के ऊपर दिखेगा। ओके, तो 36,500 की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। SBI का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कंसोलिडेशन जो हुआ है 1-1.5 दिनों का, उससे अब बाजार बाहर भी आपको आते हुए दिख सकता है। आइए जय अपनी एक और कॉल देने के लिए तैयार है, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। जी दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक ही है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल सहमत हूँ विश्वेश से, अनिल जी से। इनफैक्ट जो हिसाब से इसने मॉर्निंग में भी मैंने जब मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके पहले वही कहा था कि 35,700 का जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इन स्विंग सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का अगर हम लो देखें तो एग्जैक्टली वही है, और हमारा ये मानना था कि उसके नीचे अगर आर्ली क्लोज आया तो ही दिक्कत है, अदरवाइज नहीं। और वो आर्ली क्लोज आया ही नहीं कभी आज के ट्रेडिंग सेशन में 35,700 के नीचे। और इनफैक्ट ये जो एक कंसोलिडेशन है डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा एक ट्राइंगुलर पैटर्न है। वेव 4 में इसका ब्रेकआउट आता है तो आई एम श्योर वो 36,200 के लेवल इजीली निकल ही जाएंगे। तो इसीलिए एक बैंकिंग स्टॉक भी है। PNB का 40 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है जो करीब अभी 1.40 रुपए 1.45 के रेंज में दीपांशु ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से PNB में एक लीडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर्म हुआ है या तो एक पेनन पैटर्न फॉर्म हुआ है उसमें से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए। 45-47 ये दो स्पॉट में लेवल्स रहेंगे। मेरे जो कॉल ऑप्शन के टारगेट्स है ये 1.4-1.45 वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.50 से लेके 3.25 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है 0.75 पर। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू PNB का 40 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से PNB का 40 का कॉल खरीद कर चल सकते हैं आप। ये है आपके लिए जय की राय। देखते हैं फाइनली PNB जो किरण जी बात भी कर रहे थे 40 की रेजिस्टेंस है, क्या अब उसको क्रॉस करके होल्ड कर पाएगा या नहीं। बट अगर SBI में स्ट्रेंथ आएगी, बाकी PSU बैंक्स मूव कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा PNB का पार्टिसिपेशन आपके लिए कैसे आते हुए दिख सकता है। इस बीच एक स्टॉक जिस पर सुमित जी से मुझे राय लेनी थी, सुमित जी MMTC थोड़ी देर पहले इस पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा था, नजर डालें इस चार्ट पर, कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर BTST का? मुझे लगता है स्टॉक के अंदर कैरी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, 50 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा अगले हफ्ते में तो स्टॉक में 55 रुपए से लेके 58 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, तो ये है आपके लिए MMTC खरीद के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। काफी सारे और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं, जहां पर आपको अच्छी तेजी आज बनती हुई दिखी है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की हम बात कर रहे थे, वहां पर एक अच्छी मूव आई। वेल्सपन इंडिया टुवर्ड्स क्लोज अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुवेन फार्मा, दालमिया भारत, गुजरात फ्लोरो, इवन येस बैंक पर थोड़े मूव आपको आती हुई दिख रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, कजारिया सिरामिक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। IIFL वेल्थ को देखिए 7% ऊपर है ये काउंटर इस समय। तो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में आपको टुवर्ड्स क्लोजिंग फिर से फ्रेश एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग से पहले एक कॉल सुमित जी की तरफ से। सुमित जी टाइम उतना नहीं है, बिगुल के बना ही कॉल बता दें सर।
बिल्कुल दीपांशु, मेरे को भी क्लोजिंग में जाते जाते एक स्टॉक दिखाई दे रहा है, अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 45 रुपए, स्टॉक का नाम है हुडको। ये बीटीएसटी के तौर पर लेके जाए, एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद आज स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और अभी क्लोजिंग आवर्स में कल का हाई और परसों का हाई ऑलमोस्ट ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगला हफ्ता हुडको के अंदर अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। 43 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 50 रुपए से लेकर 52 रुपए तक के टारगेट अगले हफ्ते के अंदर हुडको के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है, खरीदारी करें 43 का स्टॉप लॉस, 50 से 52 का टारगेट नेक्स्ट वीक का। 50 से 52 के टारगेट के लिए हुडको पर खरीदारी करके जाएं, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। कंसोलिडेशन का दिन जहां तक इंडेक्स का सवाल था, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर और बैंक्स ने ली है लीड। इंडसइंड बैंक टॉप गेनर निफ्टी का 3% के उछाल के साथ। यहां पर आप रखिए नजर, अगले हफ्ते यहां पर किस तरह का एक्शन बनेगा ये देखना जरूरी रहेगा। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में खरीदारी 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल एक बार फिर से परफॉर्म करता हुआ 1.5% ऊपर, SBI लाइफ ब्लॉक डील के बाद लगातार दूसरे दिन यहां पर खरीदारी और HUL ये भी पॉजिटिव रहा। ब्रेथ ज्यादातर डिक्लाइंस के फेवर में थी, आपने देखा सिप्ला नतीजों के बाद 3.5% नीचे, बट बड़ी गिरावट या फिर ये जो 50 अंकों की वीकनेस है आज, उसका कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे, साथ ही HDFC लिमिटेड जहां पर आप 1% की गिरावट देख रहे हैं। वीकनेस आपने देखी SBI में आज, हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर क्लोज कर रहा है। ICICI बैंक, ITC, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, यहां पर थोड़ी वीकनेस रही जिसकी वजह से बाजार के मूड माहौल पर प्रेशर बना रहा, और टाटा स्टील पर भी आज आपने कमजोरी ही देखी है। वायदा कारोबार में देखें तो वोडाफोन आइडिया हफ्ता रहा है इस काउंटर के लिए, इवेंचुअली आज 20% ऊपर ये बंद हो रहा है। हालांकि अगर आप हफ्ते के मूव देखें तो फिर भी गिरावट है, बट आज तेजी के साथ बंद हो रहा है। BASF 19% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। नारायण विद्यालय 7.5% ऊपर, AB कैपिटल यहां पर खरीदारी। टाटा केमिकल्स नतीजों के बाद बड़ा उछाल आते हुए, गुजरात एल्किली, CCL प्रोडक्ट्स, MMTC हुडको, सोनाटा सॉफ्टवेयर, आरती इंडस्ट्रीज, JM फाइनेंशियल, DCM श्रीराम, ब्लिस GVS यहां पर भी खरीदारी। गेल पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, यहां पर भी आपको ओवरऑल पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखाया। तो अनिल जी, इंडेक्स पर कंसोलिडेशन, बट बैंक निफ्टी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ, और निफ्टी पर भी अगर आप जैसे कह रहे थे रिलायंस HDFC को डिस्काउंट कर ले तो फिर उतनी खराब यहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं रही आज सर। बिल्कुल, ये है बाजार की दमदार परफॉर्मेंस आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के एक्शन में। सेंसेक्स और निफ्टी में रही सुस्ती, लेकिन कोई खास बात नहीं, इस सुस्ती को हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये है आज का ट्रेडिंग सेशन का समापन, हफ्ते का समापन, बाजारों के लिए ऐतिहासिक हफ्ता जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बनाए हैं नए रिकॉर्ड। पहली बार 16,000 के दर्शन किए, पार हुए, टिके और बंद भी होते दिख रहे हैं। 16,200-16,300 की रेंज में बाजार है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दिया जाए। 4:30 बजे हर शुक्रवार को आपको मिलता है कमोडिटी बाजार का स्पेशल शो, वीकली शो है ये हमारा कमोडिटी बाजार का वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल। 4:30 बजे बताएंगे हम अगले हफ्ते कमोडिटीज में कहाँ रखनी है आपको नजर, आपकी खबर आपका फायदा। 5 बजे का ये विशेष शो घर खरीदारों के लिए है आज, आपको समर्पित है। जी हाँ, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है। मुंबई में घरों के रजिस्ट्रेशन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़े ये कहने के अभी 10 साल में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पूरे देश में जमकर प्रॉपर्टी बिक रही है। सबसे बढ़िया बात यह कि घरों की बिक्री इतनी तेज है उसके बावजूद दाम बढ़े नहीं है, और बिल्डर्स और डेवलपर्स अपनी पुरानी जो इन्वेंट्री पुराने बना बना के रखे हुए हैं बिक नहीं रहे, रेडी पोजीशन वाले वो बेचने के मूड में है और अपना कर्ज का बोझ हल्का करना चाहते हैं। तो देखिए, एक तरफ दाम नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्याज दरें एकदम नीचे हैं, और तीसरी तरफ लोन आराम से मिल रहा है, और चौथी तरफ प्रॉपर्टीज आपके पास तैयार है। तो बस इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। अगर आपको घर खरीदना है तो खरीद लीजिए। इसी पर करेंगे हम 5 बजे बात, सस्ती है दर ले लो घर, ये है हमारा आज का विशेष शो, आपकी खबर आपका फायदा। एंड्रॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्रशांत ठाकुर साहब होंगे हमारे साथ, क्रेडाई MCHI के सेक्रेटरी प्रीतम चिवकुला साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8 बजे हमारी इंडिया 360 डिग्री फ्लैगशिप बुलेटिन, उसकी फ्लैगशिप स्टोरी, देश में कोरोना की एक और वैक्सीन जल्द आ सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक अपनी कोरोना की वैक्सीन के लिए अप्लाई किया है। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि कोरोना पर कितनी कारगर है जॉनसन एंड जॉनसन की ये वैक्सीन, जानेंगे इसके बारे में भी बहुत कुछ, और साथ ही मौजूदा 3 वैक्सीन के साथ इसका करेंगे मुकाबला भी। तो देखिएगा, भूलिएगा मत, कोरोना पर चौथा वार यानी कि चौथी वैक्सीन, और वैक्सीन
की चर्चा 8 बजे होगी, लेकिन उससे पहले एक चर्चा बंसल जी से। बंसल जी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बारे में आपकी कोई विशेष टिप्पणी, अगर आपने कुछ इस पर स्टडी की है, सुना है, जाना है, कुछ किया है तो बताएं। देखिए अनिल जी, वैक्सीन पर चर्चा नहीं है, बट कोई अनिल जी केस वेस ना करें। अनिल जी, जॉनसन एंड जॉनसन पर अनिल जी बिल्कुल भरोसा नहीं है, काफी इस पर लिटिगेशन वगैरह हो चुके हैं। तो अनिल जी, इससे बेहतर तो हमारी कोवैक्सीन है, इसके साथ तो अनिल जी बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। चलो, आपको इतना तो पता है ना कि देखो कि इस पे बहुत भरोसा नहीं, इतने सारे लिटिगेशन हो चुके हैं, ये जानकारी भी आपके पास एक्स्ट्रा है। अच्छा ठीक है, ये वाले, इस वाले लिक्विड पर, ये जो वैक्सीन है इस पे आपको भरोसा नहीं है, लेकिन जिन लिक्विड पर आपको भरोसा है उनके साथ वीकेंड आप सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपको तो पता ही होगा आज एक विशेष दिन है, आई डोंट नो, नहीं पता हो ऐसा मैं मान तो नहीं सकता, पता तो होगा ऐसे मंथली, पता है आज कौन सा विशेष दिन है? अनिल जी देखिए, अगर मैं अपने बचपन के दिनों की याद करूं तो मुझे तो आज कुणाल जी का जन्मदिन दिख रहा है, क्योंकि वो अलग ड्रेस में अनिल जी, तो मेरे लिए तो आज कुणाल जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन है इवनिंग में। नहीं, कुणाल अभी तो, पहले तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि कुणाल जी अलग ड्रेस में है, लेकिन अब कुणाल जी के साथ हमारे जय और थोड़े ऐसा लग रहा है किरण जी भी फ्राइडे मूड में आ गए। सुबह सुबह तो पॉलिसी के चलते हम सब फॉर्मल में थे। जी कुणाल जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी, अनिल जी देखिए, मैं वैक्सीन पर कहना चाहता हूं, आप बंसल जी से अनिल जी राय तो ले रहे हैं, लेकिन बंसल जी आपको एक तटस्थ राय नहीं दे पाएंगे अनिल जी, उसकी वजह है कि वो कोवैक्सीन लगवा चुके हैं। तो अनिल जी, मैंने एक चीज पाई है, अनिल जी जिसने जो वैक्सीन लगाई है उसको वही सबसे अच्छी लग रही है, और मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई अनिल जी, मैं सबसे पूछता रहता हूँ कौन सी वैक्सीन अच्छी है, जिसने जो लगाई है वो कहता है जो लगी है वही सबसे अच्छी है। तो अनिल जी, इस पर भी एक कार्यक्रम होना चाहिए, वैक्सीन की भी रैंकिंग होनी चाहिए अनिल जी। प्रभु लगवा लो आप, जो मिल जाए वो सबसे बेस्ट है, ऐसा है कि वक्त रहते हुए आप लगाओ, फटाफट लगवाओ, तो मतलब कोई सी जो लगा, जो आपको पसंद आए लगा लो, जो अवेलेबल है उसमें से लगवा लो, ये इंतजार मत करो कि ये, मतलब देखिए ये तो ऐसे ही हाल हो गया, मतलब आप मोबाइल खरीदना हो आपको, गाड़ी खरीदनी हो, और आप हर बार जब भी खरीदेंगे आपको बाद में ये अफसोस होगा, थोड़ा रुक जाता तो एक नया मॉडल आ जाता हाथ में, नया वर्जन आ जाता, वो होगा, वो वैक्सीन में भी ऐसे ही हो रहा है, हर बार नया वर्जन, आपको जो इस वक्त जो अवेलेबल है वो लगाइए और आगे बढ़िए, सिंपल, नहीं तो नए नए वर्जन, नई नई वैक्सीन आती रहेगी। बाकी रहा सवाल आपका वीकेंड सेलिब्रेट करने का, बंसल जी पहचान नहीं पाए, लेकिन बंसल जी का पसंद का आज दिन है, उनके पसंद के लिक्विड पदार्थों का आज दिन है, इंटरनेशनल डे है, मनाइएगा बंसल जी, वीकेंड एंजॉय कीजिए। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, आशीष सर और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए आज के क्लोजिंग शो में। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।